मिक्सअप कर देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइट के कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बहुत अच्छे से भी नहीं आते बट हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये सभी प्रॉब्लम को जो भी बच्चा फेस कर रहा है चलिए ऑप्टिक्स आप लोगों का अब बहुत बेटर हो सकता है जिन्होंने अब तक के लाइट का कोई भी लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए शायद ये वन शॉट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ठीक है और अब आप लोग एक बस चीज करना है वो है नोट्स खुद के बनाने का यार ये जो एक डेढ़ घंटे का जो भी वन शॉट रहेगा आप लोगों का इसमें मैं आप से बस एक ही होप करती हूँ कि आप सभी अपने अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना के रखिएगा जितने बेहतरीन तरीके से आप आपके नोट्स प्रिपेयर करोगे गाइस उतना ही बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज कर पाओगे और उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट रहेगा ठीक है तो हमारे एक बहुत ही सीनियर जो है यहाँ पर सीनियर डाउट नोट में वो हमेशा कहते हैं कि यार देखो नाइनटी परसेंटाइल और नाइनटी टू परसेंट लाना बहुत इजी होता है आप आखिरी के दो तीन महीने में पढ़ के भी ला सकते हो बट उन्होंने ने एक बहुत ही प्यारी सी चीज कही थी कि जब आप नाइन्टी टू से नाइन्टी थ्री नाइनटी फोर नाइन्टी फाइव और नाइन्टी फाइव से नाइन्टी सिक्स के जर्नी पर जाते हो तो याद रखना आप नाइन्टी थ्री फोर तक तो ला लोगे आखिरी के तीन मंथ पढ़ करके लेकिन जो नाइन्टी फाइव और 96 कहीं ना तो कहीं कही घर कर गई कि यार आप मेहनत करते हो आखिरी के, के जस्ट पहले और उस मेहनत में हम नाइनटी भले ही बना लेते हैं लेकिन यार जो नाइनटी सिक्स वाला जो टारगेट है ना वो हर कोई अचीव नहीं कर सकता और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है तो तो गाइस आई आई होप कि ये छोटी सी जो 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 है आपको समझ में होगी तो टॉपर्स होते हैं हैं एक्चुअली लेकर आते वो गाइस फन भी करते हैं स्टडीज भी करते हैं सब कुछ मेंटेन करते हैं क्योंकि वो साल के स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं और हम साल के एंड में पढ़ रहे होते हैं तो दोनों में यही डिफरेंस होता है और इसी कारण से वो टॉपर है और हम

रूल्स के हिसाब से चलता है याद रखिएगा कि हर कोई चीज नेचर में किसी ना किसी रूल से फॉलो अप हो रही है वो इंसान नहीं है हम हमारे मन की मर्जी करते हैं लेकिन याद रखना नेचर में हर चीज जो है वो क्या करती है रूल्स फॉलो करती है दैट्स हाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप से भी क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिफ्लेक्शन होता है तो वो हमें कवर अप करना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर अब इनके बारे में

स्टार्ट करता है शुरू से तो व्हाट इज लाइट सबसे बेसिक फंडामेंटल है इफ मैं आपको बोलती हूं कि आप आपके कमरे के पूरे के पूरे लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आप ट्राई कीजिए आपका फेवरेट पेन ढूंढने का क्या ये पॉसिबल है अगर आपने आपका पेन बैग में रखा है तो ऑफकोर्स आपको बैग में से निकालना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा कि आपका फेवरेट पेन कौन सा है तो यार होता क्या है कि बिना लाइट के तो हम कुछ नहीं देख सकते अगर नाइट में मैं आपको बोल दू की जाओ जंगल में जाकर के जाकर के एक बियर ढूंढ के लेकर आओ पॉसिबल है बिना लाइट के नहीं तुम देखोगे नहीं तो तुम लाओगे क्या सिंपल लॉजिक है ना इसका तो लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते ये वो एनर्जी है हमको जो विजन देती है हमें क्या देती है हमें दृष्टि देती है देखने के लिए ठीक है तो लाइट के बिना कोई भी चीज नहीं देखी जा सकती बहुत सिंपल सा फंडा है

और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चा इसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है और ये आपकी आंखें हैं है ना मान लीजिए ये आपकी आंखें हैं ठीक है तो ये आप देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स अगर मैं मोमबत्ती को हटा दू मैंने बोला मोमबत्ती नहीं है यहां पे अब देखो अंधेरा है पूरे कमरे में मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट देखो आप पहचान कर पाओगे नहीं ऑब्जेक्ट क्या है यू डोंट नो क्योंकि आपके पास में लाइट नहीं है आप नहीं देख सकते फिर मैंने मोमबत्ती जला दी मोमबत्ती जलाने के बाद मैंने कहा कि नाव देखो तो आप बोलोगे यस कि ये कोई लालटेन जैसा कुछ दिख रहा है कुछ रॉकेट टाइप का हमारे पास में तो हुआ क्या तो यहां पे हुआ ये कि जो मोमबत्ती है वो हम एज अ लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं तो लाइट सोर्स क्या करता है हमें लाइट देता है जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो लाइट सोर्स है वो सन होता है हमको सूरज से रोशनी मिलती है ना तो सूरज हमारे लिए सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है क्योंकि हमसे क्या, क्या मिल रही है मोमबत्ती है, है, है तो यहाँ तो से निकलने वाली जितनी भी लाइट रेज होगी वो किसके ऊपर पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी देन ये लाइट रेज होती है क्या बच्चा रिफ्लेक्ट मैंने यहाँ पे एक वर्ड किया यूज रिफ्लेक्ट यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा पहले पूरी की पूरी लाइट को एब्सॉर्ब करेगा लाइट को रिफ्लेक्ट करता फंडामेंटल यह है कि अगर आप इस ब्लैक कलर के रिमोट को देख रहे हो तो दैट मींस कि ये रिमोट ब्लैक आपको दिख इसीलिए रहा है ब्लैक क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है यस yes, जो भी चीज आप ब्लैक देख रहे हो वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब देती है Then what about, uh, just about this, this thing? मेरे हाथ में ये एक टेप को जो काटने वाला चीजें होता है ना ये है मेरे पास में आपको सबको दिख रहा है इसका कलर ग्रीन है तो इसका कलर ग्रीन क्यों दिखाई पड़ रहा है ये ग्रीन दिख रहा है बिकॉज लाइट रेज इस पर आई सारी लाइट रेज एब्जॉर्ब हुई ओनली ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और आपके नजरों में पड़ती है इज इट एज सिंपल हमको जो भी चीज का कलर दिखाई पड़ता है वो कलर दिखाई देने के पीछे का रीजन क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराता है वो फिर हमारी आंखों पे पड़ता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है वो आपकी आंखें देख रही होती है क्या आपको मेरा जो ये जो दिख रहा है कपड़ा ये क्या है? नियौन, नियौन पिंक बोल सकते हो उसको तो नियॉन पिंक जो है वो क्या कर रहा है बेसिकली आपका जो पूरे, पूरे लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया ऑनली पिंक को क्या कर रहा है वो आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है तो दिस इज द डिफरेंस है ना हम चीजों को ऐसे ही देखते हैं अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नो डाउट ये एनर्जी ही है जैसे कि साउंड एनर्जी

अर्थ के बाहर क्या है अर्थ के एटमोसफेयर के बाहर क्या है नथिंग कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं नो no मीडियम तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की need नहीं होती वो बिना medium के भी जा सकता है और उसे मीडियम की भी नीड पड़ सकती है तो लॉजिक है कि जो भी चीज आपके पास में ट्रांसपेरेंट होती है तो ट्रांसपेरेंट चीजें क्या करती है लाइट को पूरी तरीके से आर पार जाने देती है यस yes! जो भी ट्रांसपेरेंट चीजें होती है वो लाइट को अपने में से टोटली जाने देती है दैट्स वो ट्रांसपेरेंट है ठीक है क्योंकि लाइट जो है आर पार चला जाता है लेकिन जो ओपैग ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को क्या नहीं करते वो लाइट को पूरी तरीके से जाने नहीं देते वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसीलिए आपको दिखते हैं मैंने एक बहुत ही प्यारा सा बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवाया था लेट मी जस्ट टेल यू देर इज अ ऑयल इन दिस अरे भाई निकल जाए ठीक है मेरे पास में ना ये ऑयल है अब मुझे बताओ कि इस ऑयल के साथ में इसमें कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को तो यू कैन सी देर इज नथिंग मैं यहाँ पे बस खड़ी हूँ बट आपको बता दू इसके अंदर ना एक रखी हुई है टेस्ट ट्यूब और अब आप टेस्ट ट्यूब देख सकते हो तो क्यों हुआ मीडियम का बहुत फर्क पड़ता है अगर लाइट अगर आपके पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आर पार हो जा रही है तो वही ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं जा पा रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ओपैग है ठीक है तो ये तो मैंने जबरदस्ती की चीजें बता दी मैं बात कर रही थी मीडियम के बारे में तो मीडियम कुछ भी हो सकता है मीडियम डजेंट मैटर कोई भी ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है जहां से लाइट ट्रेवल कर जाती है उसे हम लोग मीडियम बोलते हैं तो मीडियम कुछ भी हो सकता है पानी हो सकता है हवा हो सकता है आ, आपके पास में बादल भी हो सकते हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ठीक है फिर आपके पास में ग्लासेस हो गए वैक्यूम वैक्यूम जहां पर कुछ नहीं होता है। वैक्यूम मतलब क्या होता है वैक्यूम जहां पर हवा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं अर्थ के चारों तरफ हवा है एटमोस्फियर है ना अर्थ के चारों तरफ बट हर जगह है क्या नहीं तुम चांद पे जाओ वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है तुम और पास में जाओ तुम मरकरी पे जाओ वहां पे एटमॉस्फेयर है नहीं तो कहने का मतलब यह है कि जहां एटमोस्फियर नहीं है वहां भी लाइट ट्रेवल कर सकता है लाइट को नीड नहीं होती हो, मीडियम okay? और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफकोर्स थ्री मल्टीप्लाई बाई टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो यानी कि इसका मतलब क्या है एक सेकेंड में हमारा जो लाइट है तीन गुना दस की घात आठ मीटर चल लेता है अब कहने का मतलब क्या है बेटा ये एक दो मीटर नहीं चल रहा ये चालीस पचास मीटर नहीं चल रहा ये सौ पचास सौ दो सौ एक हजार मीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं है समझो इसको कि ये स्पीड है थ्री के बाद एट जीरो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीटर्स पर सेकंड ठीक है और अगर मैं यहां पर थाउजेंड का डिवाइड कर देती हूं तो थाउजेंड का डिवाइड करने पर वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा मेरे पास में तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन टू दी पावर फाइव किलोमीटर पर सिंपल सिंपल दैट तो ये ये इतना चल रहा है एक में ये है में इसकी स्पीड और इसी कारण से लाइट को सन से अर्थ तक आने में आठ मिनट ट्वेंटी एट सेकेंड के आसपास लगते हैं ठीक है दैट इज दिस इज द रीजन कि लाइट को ट्रेवल करके सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में मतलब जो पहली लाइट रेज है पहली लाइट रे रही होगी उसको अर्थ तक पहुंचने में आठ मिनट ट्वेंटी एट सेकेंड का टाइम लगता है नाउ नेक्स्ट अब बात ड्यूअल नेचर नेचर ऑफ लाइट लाइट तो लाइट के भी अलग अलग नेचर होते हैं जैसे आप लोगों ने एक हमारे जो एक बहुत ही अश्लीर करके हमारे एक बहुत ही प्यारे से शार्क टैंक के जज थे उन्होंने एक कहा था कि यार ये दोगलापन नहीं चलेगा उनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था तो वो जो दोगलापन वाली चीज है ना उनका मतलब था कि दो एक एक ही टाइम पर तुम दो बातें मत करो बट लाइट है लाइट दोगा है उसका कुछ नहीं कर सकते हम तो लाइट कहता है कि मैं पार्टिकल भी हूं मैं वेव भी हूं लाइट एनर्जी है हम सबको पता है बट ये एनर्जी किस फॉर्म में है इन इन पार्टिकल फॉर्म फॉर्म और वेव लाइट को बोलने का मतलब यह है कि जो पुराने साइंटिस्ट थे लगभग हम बात करते हैं न्यूटन के बाद के साइंटिस्ट ठीक है तो उन्होंने जो बच्चा आपके पास में जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चलती है जबकि न्यूटन बोले थे कि यार लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है तो दोनों में ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट वेव नेचर कहता है कि लाइट जो है बहुत सारे जैसे की डिफ्रैक्शन को परफॉर्म करता है जबकि पार्टिकल नेचर जो होता है बेटा वो बेसिकली समझाता है कि किस कि तरीके से हमारा जो लाइट होता है वो किसी भी आ, एनर्जी के थ्रू किसी सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर भी निकाल सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लोग क्लास ट्वेल्थ में बहुत डिटेल में ये पार्ट समझने वाले हो आपको बस समझना है कि लाइट जो है वो दो तरीके से बिहेव करता है वो एक तरीके से बोलता है कि मान लो मेरे पास में जलती हुई मोमबत्ती है तो मोमबत्ती से जो तो लाइट है वो कैसा निकल रहा है वो छोटे 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 बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स में बाहर सोचो ऐसे कि तुम्हारे पास में मोमबत्ती है और वहां से तो बहुत सारे लाइट के पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो दैट इज नॉट द केस ठीक है जबकि दूसरी जो हमारे पास में थेरी है वो बोलती है कि नहीं, नहीं 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 लाइट तो ऐसे वेव के फॉर्म में बाहर निकल रहा है समझे इस चीज को

ये डिफ्रैक्शन आपको जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि क्या होता है बस याद रखना कि लाइट के पास में क्या होता है एक फिनोमिना होता है जैसे हम लोग ने न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से एक ही चीज सीखी थी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड में आगे बढ़ती यानी लाइट हमेशा सामने 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 सीधा आगे बढ़ती है बट न्यूटन ने बोला था ऐसा कि यार अगर लाइट जो है पार्टिकल है समझो इस चीज को अगर लाइट पार्टिकल है तो यार पार्टिकल तो जाकर के किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वहीं पे रुक जाएगा बहुत लॉजिकल चीज है अगर लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है तो हमारे पास में ये जो लाइट ऐसे पार्टिकल 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 में बाहर निकल रही तो अफकोर्स कोई ऑब्जेक्ट बीच में आएगा तो लाइट वहीं पे रुक जाएगा बट वेव फॉर्म ऐसा नहीं बोलता वेव थ्योरी बोलती है कि नहीं लाइट जो है इसके साथ में जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा टेल्ट होकर बाहर निकलेगा ऐसा बोलती है इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा इतना दिमाग पर जोर मत डालो डिफ्रैक्शन इज जस्ट ओके कि हमारे पास में लाइट सीधी लाइट में आ, सीधी लाइन में करता है बट ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल से हल्का सा बैंड हो जाता है ठीक है बस ओके जैसे कि यहाँ पर देख रहा हैं तुम्हारे पास में कि ये बॉल है अगर पार्टिकल होते तुम लोग सोचो सोचो खुद कि अगर तुम्हारे पास में ये लाइट के पार्टिकल्स होते तो पार्टिकल्स कैसे होते ऐसे पार्टिकल्स बाहर निकलते और अफकोर्स पार्टिकल्स जो होते वो ऐसे बॉल के साथ में यहीं पे चिपक जाते खत्म कहानी कहानी खत्म बट ऐसा होता है क्या नहीं जब बॉल की शेडो बनती है तो हमने भी देखा है कि या तो बॉल की साइज से बड़ी बनती है या बॉल की साइज से छोटी बनती है होता है ना ऐसा कभी शेडो देखी आपने बॉल की तो बॉल की जब शेडो बनेगी लाइट सोर्स मान लो तुमने धूप में बॉल को रखा है तो शेडो जो होती है कई बार तिरछी भी बनती है होता है होता ना ऐसा तो हाउ इज इट पॉसिबल तो पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज लाइट जो होती है अगर बड़ी शेडो बना रही दैट मीनस हल्के हल्के हमारे पास में जो लाइट है वो वेव फॉर्म में ऑफकोर्स अगल बगल से बैंड होकर निकल गया होगा और अगर पार्टिकल होता तो यहाँ पे शेडो इतनी ही बनती अगर पार्टिकल फॉर्म में होता तो भाई ऑब्जेक्ट है बीच में खत्म कहा नहीं उसके बट

दिमाग पे इतना अपना बिल्कुल हथोड़ा हाँ नहीं मारना है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी कि लाइट सोर्स खत्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइट सोर्स सोर्स क्या होता है कोई पूछेगा मैम सोर्स क्या होता है बता दो ना अरे मेरे बच्चा सोर्स मतलब कि वो चीज जो हमसे हमें जहां से मिलती है जैसे कि आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम हमारे हमारे एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स है वो कौन है तो आप क्या बोलोगे प्लांट्स अरे प्लांट्स ही तो क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं दैट्स हमारे 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 एनवायरमेंट में में बहुत सारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है 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 फैक्ट तो सेम चीज पास में, कि हमारे पास कि सोर्स का प्लांट वैसे ही लाइट के लिए सोर्स वो हो गए जो लाइट को बाहर प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती कैंडल हो गया आपके पास में सन हो गया ठीक है इसके अलावा आपके पास में टॉर्च है आग जलाते हो तो दीज आर ऑल आर योर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट

बेसिकली वो रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हैं इन अदर सोर्स द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वी कैन ओनली सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन मतलब मान लो ये तुम्हारी अर्थ है हमारी ठीक है ये हमारी अर्थ है ये सन है तुम्हारा सन बहुत बड़ा होता है और अर्थ के चारों तरफ ये मून है है ना तो मून क्या करता है जो सन से आने वाली लाइट रेज होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर तो ये मून से आने वाली लाइट रेज है इसको है इसको रिफ्लेक्ट करता सन पे और हम यहाँ पे खड़े मान लो ये हम खड़े हैं और हमको यहाँ पे मून जो है दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो ऐसा होता है हमारे पास में तो हमें लगता है कि अरे भाई साहब मून तो हमें लाइट देता है अंधेरे में उजाला बनाता है मून ऐसा कुछ नहीं है सब बकवास है है ना मूवी पे मत जाओ हिंदी मूवीज जो होती है कुछ भी बताती है गाने में बोलती है कि चांद सिफारिश है ना तू जो कह दे तो चांद लेकर आऊंगा तोड़ के लेकर आऊंगा अरे क्या है सब मतलब कुछ भी गाने वाले तो कुछ भी बना देते हैं ना चलो छोड़ो

किरण मतलब कि एक सिंगल लाइट हम लोग क्या करते हैं ना जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये मोमबत्ती से निकला हुआ लाइट है ना अब तुमको पता है कि लाइट जो है ये मोमबत्ती है तुम्हारे पास में ये मोमबत्ती है वैक्स है तो मोमबत्ती से जो निकलने वाली जो लाइट रेज होती है वो हर जगह फैलती सबको पता है लाइट इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा उधर भी जाएगा बट जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग जब लाइट को पढ़ते हैं समझते हैं तब हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चा हम लोग ना बस इसका ना एक लाइट रे ले लेते हैं तो हम बोल देते हैं कि बस मोमबत्ती की इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है अगर मैंने बोला कि इस लाइट इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है तो मैं इसको लाइट रे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग लाइट रे बोल देते हैं और फिर मान लो कि यही मैंने पढ़ने के लिए हम लोग स्टडी के लिए इसको यहां पर मिरर ले लिया तो पे हम लोग एक लाइट रे के बारे में बात करेंगे क्या नहीं हम लोग बंच ऑफ लाइट रे की बात करते हैं हमारे पास में फिर एक नहीं ऐसे हम लोग बोलते कि बहुत सारी लाइट रे ऐसी 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 जाती है तो इसे कहा जाता है जो ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज हम लोग क्या बोलते हैं लाइट बीम ठीक है एंड पैरेलल बीम का मतलब होता है अब पे भी लाइट अलग-अलग तरीके से जैसे मान लो कि हो सकता है कि तुम्हारे पास में जो लाइट रे है वो पैरेलल ना हो कई बार होता है ना कि लाइट ऐसी ऐसी, ऐसी भी जा सकती है मतलब जैसे मैं तुमको दिखा रही हूँ जरूरी नहीं है लाइट ऐसे भी तो जा सकती है ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है इसमें किसी को शक नहीं ठीक है तो लाइट रे एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकती है बट जब हम लोग बात करते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइट तो यहां पर बच्चा आपके पास में सारी की सारी की रे हम क्या एज्यूम करते हैं वो पैरेलल है यानी कि सारी के सारा जितना भी लाइट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल है ले कहीं किसी को एक दूसरे को काट नहीं रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ओके तो बस ये तीन चीजें आपको बस पता होनी चाहिए अगर मैं लाइट रे बोल रही हूं तो आपको दिमाग में ना चीज रहनी चाहिए कि एक सिंगल डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है दूसरा अगर मैंने बीम बोला तो बहुत सारी लाइटरें जा रही है और मैंने बोला पैरेलल है मैंने स्पेसिफिक कर दिया पैरल बीम है तो मैंने पैरल बीम बोला समझ जाना सारी लाइट रे एक दूसरे के पैरल है बस इतना फंडामेंटल चीज है आपको पता होना चाहिए चलो बात करते हैं अब रिफ्लेक्शन की तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन मैंने पहले भी कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखाई पड़ता है तो उसके पीछे का रीजन ही रिफ्लेक्शन होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो लाइट को पार कर देते हैं लेकिन जो नहीं पार कर पाते जो पार नहीं करते जैसे कि मेरा टी शर्ट जैसे कि मेरे बाल ब्लैक दिख दिखे सबको ठीक है जैसे कि मेरी वॉच सब लोग देख सकते हो क्यों देख पा रहे हो क्योंकि आने वाली लाइट रे यहाँ पर या तो एब्जॉर्ब हुई है या तो बैंड हुई है या तो आर पार चली गई है बेटा लाइट के ना तीन ही फंडामेंटल चीजें हो सकती है या तो लाइट आपकी किसी ऑब्जेक्ट मान लो ये तुम्हारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पे लाइट रे आई तो या तो उसका एब्जॉर्ब होगा या तो वो एब्जॉर्ब होगी या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या तो वो आर पार चली जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन तो ये तीन ही चीज हो सकती है ना जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो तीन चीज हो सकती है कि या तो वो आर पार चली जाएगी तो जिसमें से आर पार चली जाती है जिन ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार चली जाती है उन ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस लाइट जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को लाइट की पूरी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है वो जनरली ब्लैक इन कलर होता है ऑब्जेक्ट और जो आपको दिखाई देते हैं डिफरेंट कलर्स वो दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तीन चीज है बस समझ लो है हाँ ना अब समझता है कि रिफ्लेक्शन क्या बड़ा चीज है तो रिफ्लेक्शन बेसिकली टकरा करके मुड़ जाना तुम्हारे पास में एक बॉल थी जो कि मेरे पास में नहीं है फिलहाल समझो मेरे हाथ में एक ग्रीन कलर की बॉल है जो कि क्रिकेट की बॉल है अगर मैंने ये क्रिकेट की बॉल कैमरा पे मारी जो कि मैं नहीं कर सकती तो कैमरे पे मैंने ये बॉल को मारा तो क्या होगा कैमरा मुझे रिटर्न देगा वो बॉल अरे देगा ना भाई मैंने किसी बॉल को दीवार पे फेंक के मारा वो रबर की बॉल है तो रबर की बॉल क्या करेगी दीवार पे जाएगी टकराएगी एंड तरफ वापस से बैंड होगी दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे लाइट हमेशा क्या करती है लाइट नहीं बच्चा नेचर में जो ये फिजिकल चीजें होती है वो हमेशा कुछ रूल्स फॉलो करती है यानी कि अगर मैंने दीवार पे मान लो स्ट्रेट मारा मान लो मेरे पास में बॉल है तुम लोग खुद ये एक्सपेरिमेंट करना अगर तुम्हारे पास में एक प्लेन याद रखना दीवार बहुत चिकनी है दीवाल उबड़ खाबड़ नहीं है कि एक तरफ से बंप निकला हुआ दीवार के अंदर ऐसी नहीं तुम्हारे पास में तुम दीवाल से एक्सपेरिमेंट करोगे तो दो तरीके की रखना अपने पास में एक जो पूरी चिकनी है तो जब तुम बॉल, उसके सीधे, तुम देखना बॉल वापस रिटर्न आएगी बिना मुड़े बिना किसी एंगल के और ये पॉसिबिलिटी होती है इसको मैं लिख के देती हूँ कि जब तुमने सीधी बॉल मारी तो बॉल सीधी उसी डायरेक्शन में आएगी जब बॉल को तुमने किसी एंगल से मारा तो बॉल उसी एंगल से ऊपर जाएगी ठीक है तो ये एक फिनोमिना है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन जो मैं कि सीधा पे मारोगे तो तो सीधी वो मुझे मिलेगी, या जो कि हमको जानना है यानी कि जब भी लाइट किसी सरफेस तो कुछ रूल्स को फॉलो करती है जब वो बेंड होती है

बेंड हो गई मुड़ गई वो दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ है रिफ्लेक्शन हुआ है तो वो बैंड मैंने क्या बोला कि अगर लाइट रे ऐसी आ रही है तो वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी वो लाइट रे इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुड़ेगी अगर ये पेन मेरी लाइट रे है जैसे मान लो ये पेन मेरी लाइट रे है तो ऐसे टकराएगा और ऐसे मुड़ जाएगा तो तो दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये है कि हमारे पास में सबसे पहली चीज होती है कि जिस सरफेस पे लाइट रे जाती है यानी कि जो हमने लाइट रे को डाला है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं तो इंसिडेंट रे जो होती है वो किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो जस्ट एज्यूम करो मेरे पास में कोई सरफेस है दिस इज माई सरफेस

परफॉर्मेंस में इसमें अपनी कई बार शकल देखती हूँ इस कांच के डायल के अंदर या वॉच के डायल में मैं क्या करती हूँ अपनी शकल देखती हूँ तो क्यों शकल देख सकती हूँ बिकॉज इट बिहेव लाइक अ प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस पूरी तरीके से प्रॉपर रिफ्लेक्शन करते हैं तो गाइस यहां पे समझने की चीज ये है कि जब प्लेन सरफ़ेस पे कभी कभी भी लाइट रे पड़ती है तो वो हमेशा जैसे मान लीजिए मैंने लाइट रे यहां पर डाली तो जो लाइट रे यहां पर डाली मैंने इसको क्या कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं अब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ी मान लो मेरे पास में टॉर्च था टॉर्च से मैंने एक लाइट रे निकाली और इसको मैंने इस प्लेन सरफेस के इस पॉइंट पर डाली इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी मान लो ये प्लेन सरफेस का पॉइंट क्या है पॉइंट पी पी दिख रहा सबको दिस इज योर पॉइंट पी ओके तो पॉइंट पी क्या है मेरे पास में ये वो पॉइंट है जहां पर मेरी जो है प्लेन सरफेस पर आकर टकराई है तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि यार एक नॉर्मल खींच लिया जाए हम क्या कहते हैं यार हम कहते हैं इसे इंसिडेंट पॉइंट तो पॉइंट पी इज़ तो यहां पे मैं लिख देती हूं पॉइंट पी इज योर इंसिडेंट पॉइंट तो इंसिडेंट जहां पे लाइट रे आकर के आपके सरफेस पे पड़ी है देन मैंने बोला कि ये जो है आपके पास में पॉइंट पी है तो मैं पॉइंट पी बोल देती हूँ नीचे लिख देती हूँ उसको और इस पॉइंट पी से क्या होगा सब लोग अब ध्यान से सुनना यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो कि मेरे पास में सिंपली मैं खींच सकती हूँ स्केल तो है मेरे पास में बट ठीक है तो मैं क्या कर रही हूं यहां पर इसको एक बहुत ही प्यार से आराम से एक मैंने इमेजिनरी लाइन खींच दी और जो कि कैसी है सरफेस से 90 डिग्री का याद रखना ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमने सरफेस पर इसको क्या करी है खींची है तो क्या होता है कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे हम मानते हैं कि एक एंगल बनाती है इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं और दिस इज योर आई स की अब लाइट रे जो है मैंने कहा कि रूल्स फॉलो करती है तो अगर लाइट रे किसी भी सरफेस पर पड़ती है प्लेन सरफेस पर और स्पेशली जो एन है इंसिडेंट तो पॉइंट पर पड़ी तो यार यहां से वो रिफ्लेक्ट होती है इन सेम मैनर तो ये आपके पास में रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहलाती है दिस इज वॉट दिस इज योर रिफलेक्टेड लाइट तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपके जो इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल से हम लोगों ने इंसिडेंट एंगल बनाया था उसके जस्ट इक्वल होता है एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर यानी कि हम लोगों ने देखो यहाँ पे चीज हुआ हुआ क्या देखो प्लेन सरफेस है लाइट आई और ये चली गई यही हुआ है लेकिन आ, मतलब लाइट आई और लाइट चली गई तो हुआ क्या कि हम लोगों को इसको स्टडी करनी है तो हमने मान लिया कि यार ये इंसिडेंट पॉइंट है यहां पे बीचों बीच में और अब हमारे पास में रिफ्लेक्शन reflect, का एंगल रहेगा आर तो ये एक फंडामेंटल लॉ बन गया आपके पास में किसका लॉ फॉर रिफ्लेक्शन तो यहां पे आपके पास में साइंटिस्ट लोग बोले कि ये जो एंगल आई है ये ऑलवेज एंगल आर के होता है

तो आर का वैल्यू भी फोर्टी फाइव डिग्री रहेगा यानी कि फोर्टी फाइव का मेरा आई आ, मेरे पास में इंसिडेंट रे है ये आई रे लिख देती हूं मैं इसको और दिस इज योर इंसिडेंट एंगल आई तो एंगल आई विल बी इक्वल टू तो एंगल आर दिस इज योर फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है जस्ट अ बेसिक फिनोमेना तो ये दो रूल है पहला रूल क्या होगा पहला रूल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल अरे यार ठीक है ओके okay. तो ये क्या है मेरे पास में इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और ये मेरे पास में p जो है यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये जो पॉइंट p जिसको मैंने क्या बोला है इंसिडेंट पॉइंट बोला है ये सभी कैसे रहेंगे आपके पास में एक ही पॉइंट पर रहेगा सब लोग देखो यहाँ पर देखो ये एक ही पॉइंट पर रहेगा ठीक है एक ही पॉइंट पर रहेगा और सेम प्लेन में रहेगा तो प्लेन के आपके पास में ये है तो ये यह देखो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला जो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि मैं आपको बता चुकी हूं कि यहाँ पर एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर फर्स्ट रूल सेकेंड रूल द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑफ द द टू मिरर एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ठीक है तो सेम प्लेन में रहेंगे चलिए नेक्स्ट वाला आपके पास में जो है क्वेश्चन है फटाफट सेल्डेक्स और जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है मतलब रिफ्लेक्शन का लॉ है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराई और बेंड होती है तो कुछ रूल फॉलो करती है तो क्या ये रूल सिर्फ सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर के लिए है या कौन कीव के लिए है कौन वेक्स मिरर? अब ये क्या है इन्हें हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के मिरर्स होते हैं स्पेरिकल मिरर बोलते हैं इनको इनको पढ़ेंगे हम आगे तो अब ये जो स्पेरिकल मिरर है कहने का मतलब ये है कि लाइट क्या सिर्फ प्लेन मिरर्स के लिए ही रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो करती है या बाकी सभी मिरर्स के लिए भी तो बच्चों बस इतना याद रखना चाहे मिरर हो चाहे कोई भी सरफेस हो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है डजेंट मैटर कि कैसी भी सरफेस से हो रहा है अगर लाइट रे का बोल रही हूं, बीम का नहीं बोल रही अगर लाइट रे जो है, है? है। सभी सभी सरफेस कैसी है क्या है कुछ समझ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बस इतना याद रखना कि आपके पास में जो है वो परफॉर्म हो गए कोर्स आंसर है ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या मैम जो आपने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है यस ऑफ कोर्स ऑलवेज ट्रू है फॉर लाइट रे ठीक है चलो अब बात करते हैं बच्चा आपके पास में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अब रिफ्लेक्शन भी अलग अलग टाइप्स से होता है एक रिफ्लेक्शन ऐसा होता है जो कि इवन होता है दूसरा होता है बच्चा कि वो किसी भी डायरेक्शन में होता है मतलब ये है कि लाइट बीम जब आती है सब लोग देखो दिस इज योर लाइट बीम दिस इज नॉट लाइट रे अब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट

रिफ्लेक्शन द फर्स्ट वन स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन जिसको आप बोल सकते हो कि इवनली रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है बेटा रिफ्लेक्शन जिसमें इसमें जिस हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन लाइट बीम जो होती है है वो अपनी डायरेक्शन बदल यानी कि लाइट रे के लिए तो सब कुछ सही है देखो लाइट रे के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है बट फॉर अ बीम बीम में जहां पे मल्टीपल लाइट रे जाती है ऑफकोर्स टॉर्च से तो मल्टीपल लाइट रे जाएगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बीम कहते हैं बंच ऑफ लाइट रे तो यार लाइट रे तो किसी सरफेस मान लो तुम्हारे पास में एक ऐसा सरफेस है जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक सरफेस है जो कि बिल्कुल टेढ़ा तिरछा आड़ा ऐसा कुछ सरफेस है अब मान लो तुम्हारे पास में लाइट बीम आई भाई लाइट बीम तो प्रॉपर आ रही है लाइट बीम में कोई शक नहीं है सरफेस तुम्हारा कुछ उबड़ खाबड़ है ऐसा अब लाइट बीम तो प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर एंगल सब कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसी आ रही है लाइट लाइट रे के आने में कोई दिक्कत नहीं है सब बढ़िया अच्छे से आ रही है ना लेकिन एक बात बताओ फॉर दिस खाबड़ सरफेस जब जब मैं नॉर्मल हर किसी के तो यार जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो एक लाइट रे इधर जा रही है दूसरी लाइट रे इधर जाएगी तो तीसरी लाइट रे इधर जाएगी चौथी कहीं और जाएगी पांचवी कहीं और जाएगी तो क्या ये इवनली रिफ्लेक्शन हो रहा है फॉर लाइट बीम नो यू कैन सी द रिफ्लेक्शन फॉर दिस उबर खाबड़ सरफेस इज नॉट इवनली सो हम बोलते हैं कि फॉर दिस कंडीशन दिस इज कॉल्ड योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन कि कुछ सरफेसेस में मैं अपनी शकल देख सकती हूं तो जो भी प्लेन सरफेस होती है जहां से रिफ्लेक्शन स्पेक्लर होता है बिल्कुल लाइट बीम जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है बिना कुछ कटपट किए तो वो रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्पैक्युलर रिफ्लेक्शन उसमें ऐसे रिफ्लेक्शन में मैं अपनी आसानी से शक्लें देख सकती हूँ इजीली मैं क्या कर सकती हूँ अपनी जो चेहरा है जो भी इमेज है वो देख सकती हूँ जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जो ये वॉच का डायल है दिस इज द स्पैक्युलर रिफ्लेक्शन का सरफेस है तो सरफेस बिल्कुल प्लेन सरफेस है देर इज नो एनी काइंड ऑफ दिस उबड़ खाबड़ थिंग तो यहाँ पे कोई भी सरफेस अनइवन नहीं है तो जब लाइट रे मेरे मेरे चेहरे से टकरा करके इस पर टकराई है तो लाइट रे मेरे सामने यहाँ पर तीन लाइट एक दो तीन बहुत सारे लाइट सोर्स लगे हुए स्टूडियो में तो क्या हुआ कि लाइट रेज आ रही है मेरे चेहरे पर टकरा रही है और मैं देखना चाहती हूँ अपनी सर्कल तो ऑफकोर्स मैं इस डायल में देख रही हूँ तो मेरे जो चेहरे से निकलने वाली लाइट रेज है वो अगर वो इस पर गई है तो वो इवनली क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है बट फॉर डिफ्यूज सरफेस जैसे मान लो दीवाल हो गया ये पीस ऑफ पेपर हो गया जो मेरे हाथों में पड़ा हुआ है, दिस पीस ऑफ पेपर दिस ऑल आर अन ईवन सरफेस, इनकी सरफेस आप छू के फील करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा

एंड इन दिस सिचुएशन द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इन स्कैटर्ड वे यानी बिखर जाती है आती तो प्रॉपर है देखो आती तो सही है लेकिन हर किसी के लिए नॉर्मल नॉर्मल के नौर्मल से बनने वाला एंगल बदल जाता है सब लोग देखो यहाँ पर आती तो लाइट बीम एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेकिन हर किसी के लिए आप लोग देखो यहाँ पे जो बनने वाला नॉर्मल है उसके लिए एंगल्स बदल जाते हैं और एंगल बदलने के कारण लाइट रे किसी भी डायरेक्शन में क्या होती है स्कैटर हो जाती है बिखर जाती है एंड दैट इज कॉल्ड योर diffused reflection, reflection. most of the surface rather than mirrors possess a rough finish that can include dirt and scatter, अपने पास scratches. as a result, the quality of the reflection and the brightness level decreases. ठीक है, सिंपल सी बात है. ओके, okay, चल. अब बात करते image formation जो कि सबसे ज़्यादा important चीज़ है. अगर आपको यहाँ तक के basic समझ में आ गया, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे image formation by spherical mirror, by plane mirror, etc, etc. सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन तो बेटे बेसिकली इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है जैसे मान लो आप आईने के सामने खड़े हो आप मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में अपने आप को देखकर क्या फील होता है एक बात बताओ मुझे कि यार आहा, कितना डैशिंग लग रही हूं मैं कि, सॉरी कितना डैशिंग लग रहा हूँ कितनी सुंदर लग रही हूं मैं तो ये जो वर्ड्स आप मिरर में देखे खुद को बोलते हो तो ये इमेज कैसे बन रहा है तो इमेज फॉर्मेशन होता है जब लाइट एक दूसरे को क्या करती है रिफ्लेक्शन के बाद क्रॉस करती है इफ मान लीजिए मेरे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो मान लीजिए ये मेरे पास में मिरर है ठीक है तो मिरर क्या करता है बेसिकली जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मिरर का काम है रिफ्लेक्शन करना so, तो दिस इज योर प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चा जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने रखी है मोमबत्ती तो मोमबत्ती क्या करेगी मोमबत्ती से मान लीजिए कोई लाइट रे आई है तो मान लीजिए कि मोमबत्ती से ऐसी कोई लाइट रे आई है और ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और ये मेरा नॉर्मल है तो ये लाइट रे तो क्या होती है आने वाली लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई फर्क नहीं पड़ेगा बट वॉट हैपेन्स हियर कि जो पीछे जाती है ना पीछे जब मिलती है इस तरीके से तो पीछे मिलेगी तो पीछे यहां पर ये क्या करती है अपनी इमेज बना लेती है वापस से तो वॉट हैपन्स हियर व्हाट हैपन्स कि हमारे पास में जब लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्रॉस करती है तो देखो सब लोग यहाँ पर यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट हो गई यहां पर तो क्रॉस नहीं कर रही है ना हमारे पास में जो मिरर है ये क्या है प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में क्या सीन होता है प्लेन मिरर का सीन ये होता है कि आने वाली जो लाइट रे होती है हमारे पास में वो प्लेन के सरफेस पे पड़ती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर परफॉर्म करती है बट हमें फिर भी उसमें करती है याद आया आपको तो कट नहीं करती दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि इमेजनरी पीछे ये क्या कर रही होगी क्रॉस कर रही होगी एक दूसरे को तो इमेजनरी क्या कर रही होगी ये क्रॉस कर रही होगी और ऐसी एक नहीं बेटा बहुत सारी लाइट रेज होती है बेसिकली तो फिर वहां पर क्या कर रही है वो इमेज को फॉर्म कर रही है

एक्चुअली मीट देन हम बोल सकते हैं कि रियल इमेज फॉर्म होता है एंड वेन टू मीट होता है तब हमारे पास में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ठीक है इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज की तो रियल इमेज फॉर्म होता है रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्मड बाय कॉर्न

रियल इमेज जिसको हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं विजुलाइज कर सकते हैं बट फॉर वर्चुअल इमेज वी कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन तो वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू बी ऑन द लेंस और द मिरर इटसेल्फ सेल्फ हमको ऐसा लगता है कि मिरर्स पर ही है मिरर के ऊपर ही क्या बनी है इमेज बनी है हमको कभी दिखती नहीं है हम कभी उसको स्क्रीन पर नहीं निकाल सकते हमको स्क्रीन पर वो कभी मिल ही नहीं सकती रियल इमेजेस इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कॉनकेव के कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे रियल आर इंपॉर्टेंट पार्ट अब आप खुद सोचो मान लीजिए मेरे ऊपर लाइट सोर्स आ रहा है मेरे सामने मिरर रखा हुआ तो ऑफ कोर्स लाइट सोर्स से आने वाली लाइट रे जो है मुझसे टकरा करके मिरर पर जाएगी डिफरेंट एंगल के साथ में और जब वो प्लेन मिरर से टकराती है तो डिफरेंट एंगल के साथ में क्या करेगी लाइट बीम जो होते हैं पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स हमें दे देता है

मिलियंस मतलब बहुत सारी लाइट रेज होती है एक्चुअली और वो बहुत सारी लाइट रेज जो होती है जब किसी भी मिरर से या प्लेन चीजों से टकराती है तो वो एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं जैसे डॉट 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 मिलाते हैं तो उसके बाद हमें क्या है? Real image मिलती है but for, but for image, एक रियल इमेज मिलती है बट फॉर बट फॉर योर वर्चुअल इमेज लाइट रे कभी एक दूसरे को एक्चुअली में इंटरक्ट इंटरसेक्ट uh, नहीं करती हमें बस ऐसा फील होता है कि ये इमेज जो है वो मिरर के अंदर जो है लाइटरे इंसटैक्ट इंटर इंटरसेक्ट करती है और आप लोग जानते हो कि मिरर के अंदर लाइटरें नहीं जाती वो रिफ्लेक्ट हो जाती तो हमेशा फील होता है कि मिरर के अंदर जो है वो क्या कर रही है लाइटरें जा रही है ठीक है बट ऐसा नहीं होता तो दैट इज योर वर्चुअल इमेज तो हम लोग वर्चुअल इमेज को जो है स्क्रीन पर नहीं निकाल सकते रियल इमेज को निकाल सकते हैं रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है एक चीज याद रखना रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है वर्चुअल इमेज हमेशा उल्टी नहीं होती वर्चुअल इमेज सीधी हो, सीधी होती है ठीक है चलो अब बात करते हैं आगे तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ लेते सबसे पहले तो भाई रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं तो मान लीजिए तुम्हारे सामने मैंने कहा था मोमबत्ती है ये तुम्हारी मोमबत्ती है ठीक है तो मोमबत्ती से निकलने वाली लाइटर जो है प्लेन मिरर से टकराई तो मैंने प्लेन मिरर के बारे में पहले भी तुमको बताया है कि जो प्लेन मिररस होते हैं ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं एंड रिफ्लेक्शन का इनका जो फंडा फंडामेंटल जो तो चीज होता है उसके बारे में बात करूँ आप लोगों से तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से लाइटरे जो है वो क्या हो रही है निकल रही है आपके पास में किस पे ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइटरे है जब वो प्लेन मिरर पे टकराई तो आप लोग बस इस भाग को देखो इस पार्ट को देखो कि ये मेरे पास में मोमबत्ती है यहां से क्या हो रहा है मोमबत्ती से ऐसे कोई लाइट रे निकली है ये मेरे पास में क्या है प्लेन मिरर है ठीक है तो ये मेरे पास में प्लेन मिरर है और ये मेरी लाइट रे गई तो आपको पता है ये बीम गई यहाँ पर तो ऑफकोर्स नॉर्मल से टकराने के बाद प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है क्या ये सर, मिरर के सामने रखी हुई है ये मेरा प्लेन मिरर हो गया ये पीछे से पॉलिश सरफेस है तो प्लेन मिरर का जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से आने वाली लाइट रे क्या हो गई बैंड हो गई रिफ्लेक्ट हो गई तो आपको क्या वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रही है क्या नहीं यह एक्चुअली मैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो फिर वो हो क्या रहा है तो यार ये क्या कर रहा है ना ये हमें ऐसा फील होता है कि ये पीछे की ओर क्या करेंगे पीछे की ओर इंटरसेक्ट करते हैं और ऐसे आपके पास में वापस से क्या मिल गया इमेज मिल गया तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इतनी फंडामेंटल चीज है दैट्स इट ठीक है तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्चुअल इमेज अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है आप देख सकते हो आप खुद अपने आप को आईने के सामने रखो तो आप फाइंड करोगे कि मान लीजिए आपके ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है टेन सेंटीमीटर मान लेती हूं मैं कि मोमबत्ती आपके सामने कितनी की रखी थी टेन सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी थी इसका डायमेंशन कितना है कि ये जो मोमबत्ती है वो दस सेंटीमीटर की लंबी थी ठीक है बट जब इसका इमेज बना तो इमेज कितना बड़ा बनेगा तो आप सभी जानते हो कि मिरर में आपको आपका साइज साइज बराबर ही दिखता है छोटे दिखते हो क्या नहीं तो ये ऑब्जेक्ट का भी टेन सेंटीमीटर ही रहेगा दूसरी चीज आपको जो समझनी है उसमें वो ये होता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है मिरर से तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो टेन सेंटीमीटर या मान लीजिए कि वो हमारे पास में अराउंड कितना अराउंड हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए फिफ्टीन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है मैंने क्या बोला मैंने बोला कि मान लीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से फिफ्टीन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है

जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने ही दूर इमेज तो ये किसका फंडामेंटल पॉइंट है है ये है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ़ मिरर का बस इसमें एक चीज उल्टी होती है बस एक चीज इसमें बिगड़ जाती है और वो है आपके पास में कि मान लो तुम्हारे पास में लेंडर आपके पास में जो बेटा कैंडल है तो कैंडल के एक साइड में मैंने क्या बोला कि आ, मान लो कैंडल के एक साइड में मैंने यहाँ पे दिल बना दिया ठीक है मैंने एक कैंडल में क्या करा है एक मैंने पिन लगाया है उसमें दिल बना दिया और दूसरे में मैंने क्या किया है दूसरे में मैंने यहां से एक और मैंने क्या किया हाथ निकाला एक कैंडल के अंदर मैंने दूसरे साइड से एक चीज और करी कि दूसरा हाथ निकाला और उसपे बलून बना दिया ये मान लो मैंने इस पर इमोजी बना दी कुछ इमोजी बना दी और इमोजी कौन सी है ये वाली दिख रही सबको तो मिरर के पास में मैंने क्या किया दो चीजें करी है एक तरफ दिल बनाया है एक तरफ मैंने इमोजी बनाई है तो जब रिफ्लेक्शन होता है अब यहाँ पे ना उल्टे तरीके से अब यहाँ पे काम जो है थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे बस एक ही चीज थोड़ी सी उल्टी होती है एंड वॉट Is that, उसके बारे में में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो जब यहाँ पर आपके पास में जो इमेज फॉर्म हुई है यार तो इमोज इमेज में आप लोग देखो कि आपके पास में प्लेन मिरर के सामने जो आपका दिल है वो किस साइड था राइट हैंड साइड था तो यहाँ पे जो दिल है आपका अब लेफ्ट हैंड साइड बनेगा एंड जो इमोजी है वो आपकी राइट हैंड साइड बनेगी बस यहाँ पे क्या होता है लेटरल इन्वर्जन हो जाता है एंड द थिंग कि मिरर में आपके पास प्लेन मिरर में एक ही चीज जो है उल्टी होती है और वो है कि आपके पास में इन्वर्जन ऑफ इमेज हो जाता है ठीक है तो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है दाया का बाया दिखता है लेफ्ट का राइट right दिखेगा राइट का लेफ्ट दिखेगा यानी कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप देखोगे कि मिरर के सामने खड़े होने पर अगर आप आपका सीधा यानी आपका राइट हैंड को उठाते हो तो आपको फील होगा मिरर में देखकर कि आप आपका लेफ्ट हैंड जो है उसे राइज कर रहे हो ठीक है तो इसे हम लोग बोलते है, लेटरल हैं लेटरल इन्वर्सन ठीक है यहां तक चीजें क्लियर ओके ठीक है ना भाई तो समझ में आ गया तो इक्वल डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होता है एंड बस एक चीज होता है और वो है लेटरल इन्वर्जन तो जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो पहली चीज वर्चुअल इमेज बनेगी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है आप लोगों को साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट मतलब कि सेम डिस्टेंस पर क्या बनता है इमेज भी फॉर्म होता है जितनी दूर पर हमारे पास मिरर से ऑब्जेक्ट रखा गया था यहाँ पे इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है दैट मीन लेफ्ट का राइट right, राइट right का लेफ्ट दिखाई पड़ता है दैट राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द इन्वर्जन इज आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जब जनरली आपके पास में क्या होता है एम्बुलेंस जब देखोगे ना तो एम्बुलेंस में एंबुलेंस उल्टा लिखा होता है जितनी भी एंबुलेंस होती है उसमें एंबुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं आप लोग देखना जरा ध्यान से तो एम्बुलेंस में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ई C N C को भी उल्टा लिखते हैं ऐसे लिखते हैं उल्टा C, N A L U B M एम ठीक है हम्म hmm. तो अगर आप अब इसको ऐसे मिरर के सामने क्या करना आप सब बच्चे ना ऐसे मिरर लेना ऐसे मिरर के सामने अपने आपको देखना तो मिरर के सामने ना ना आप देखोगे जब इसको तो आपको फील होगा कि ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये सीधा लिखा हुआ है तो मिरर में आपको ये सीधा दिखेगा और ऐसा होता है मिरर में अगर आप मान लीजिए आप ऐसे कुछ हिंदी में वर्ड्स बोलते हो अगर आप हिंदी में अ मिरर ऐसे लिखते हो है ना ये आ है तो आपको मिरर में कैसा दिखेगा मिरर में आपको दिखेगा ऐसे तो ये आपका मिरर है तो मिरर में आग कैसे दिख रहा है उल्टा हो गया देखो पूरा का पूरा उल्टा हो गया हमने लिखा आ ऐसा है उल्टा ऐसे हो गया ठीक है यहां तो समझ में आया तो दिस इज योर लेटर इनवर्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर जो की इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो स्पेरिकल मिरर के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो यार ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं इस पर बात करते हैं तो सभी लोगों ने बॉल देखी हुई है या मैं आपसे बात बोलू फुटबॉल तो मेरे ख्याल से फुटबॉल हर किसी ने देखी है फुटबॉल देखी है ना फुटबॉल बास्केटबॉल दिस इज वॉट ये बॉल अंदर से खोखली होती है और खोखली होने के बाद ऊपर से क्या होता है रबर बंदा होता है नीचे अंदर हवा होती है और ये बाउंस करती है तो ऐसे ही एक कांच का गोला लो समझो एक कांच का गोला है

अब इसमें बस एक काम करना है एक काम क्या करना है एक को पॉलिश हमने क्या किया पॉलिश हम लोगों ने अंदर से किया या मान लीजिए हम लोगों ने एक का पॉलिश जो है वो बाहर से किया तो यह है पॉलिस्ड सरफेस तो अंदर वाली सरफेस क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी दिस इज योर इनर सरफेस जो कि रिफ्लेक्टिंग है एंड दूसरा जो टुकड़ा था स्पीयर का उसमें क्या किया मैंने अंदर की तरफ पॉलिश किया तो हमने क्या किया अंदर की तरफ पॉलिश किया और अब क्या हुआ इसका जो आउटर सरफेस है वो वर्क कर रहा है एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक है तो ये तुम्हारे पास में दो डिफरेंट टाइप के मिरर तुमने देख लिए जिसमें एक आप लोग देखो जिसमें क्या है बच्चा एक बाहर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है इसमें अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है इफ आप लोगों ने घर में कटोरी देखी होगी कटोरी मतलब कि एक बाउल होता है स्टील का तो जिसके घर में स्टील का बाउल है सब बच्चे स्टील का बाउल जो है अपने सामने रखो और फील करो कि स्टील के बाउल में आप अपनी इमेज देख सकते हो एंड दैट इज योर मिरर एंड इस नेम इज कॉन केव मिरर जो अंदर वाला सरफेस होता है इसे हम बोलते हैं केव दिस इज व्हाट दिस इज अ सिंपली केव हम बोलते हैं केव केव क्या होती है गुफा होती है ना गुफा गुफा कैसी होती है धंसी हुई अंदर होती है ना जैसे जो गुफा तो उसको नाम क्या होगा केव मिरर बट फॉर दिस दिस इज उल्टा कॉनवेक्स मिरर ये बाहर से कैसा है निकला हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं कॉनवेक्स मिरर और इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो इस तरीके से दो टाइप के मिरर आप लोगों ने पढ़ने हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्ड इन और आउटवर्ड्स स्पेरिकली आर कॉर्ड स्पेरिकल यानी कोई मिरर अगर इनवर्ड या आउटवर्ड बेंड है अंदर घुसा हुआ है इसे हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पून द कर सरफेस ऑफ स्पिनिंग स्पून कैन बी कंसिडर एज अ कर मिरर कटोरी को चम्मच को आप घर में तो देखते हैं इसे हम लोग क्या कह सकते हैं मिरर कह सकते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर हमको पढ़ना है तो बेसिकली जब से देख सकते हो आप लोग कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये ये मेरे पास में है है मैंने कहा कि कर्व मिरर काटा और अगर इनवर्ड रिफ्लेक्शन कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉनवेक्स कॉनकेव और जो बाहर से रिफ्लेक्शन करता है उसे कॉन कॉनवेक्स uh, तो आप सभी लोगों ने देखा है चम्मच घर में तो चम्मच के दो सर्फेस होते हैं चम्मच मान लीजिए ये चम्मच है तो चम्मच के दो सर्फेस होते हैं एक होता है दिस स्पून तो स्पून के दो सर्फेस होते है ये स्पून की डंडी हो गई और ये अंदर का सर्फेस तो दिस इज योर कौन केव जबकि थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ बड़ा बड़ा दिखेगा आपको है ना कौन केव मेर तो अंदर का जो सरफेस है जो कि आप ये देख सकते हो ना यहाँ पर सॉरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो या आपको यहाँ पर आपको दो सरफेस दिख रहे हैं द द फर्स्ट वन वन इज इज दिस दिस एंड तो कौन केव मिरर जो है मान लीजिए कि ये जो हिस्सा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंदर धसा हुआ है देखो ये अंदर धसा हुआ आपका हिस्सा है तो मिरर का जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है दिस इज योर केव और जो बाहर का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं कौन वैक्स ओके okay, चलो अब इनके नाम हम अगर आपको याद नहीं रहता कॉनकेव कौन्वेक, और कॉन्वेक्स में हम कंफ्यूज जाते हैं तो बस इतना याद रखो केव एक को केव याद रखोगे ऑटोमेटिकली आपको दूसरा वाला याद रहेगा तो अगर आप केव इसको बोलते हो तो दिस इज यब पीछे वाला कॉनवेक्स तो हमारे पास में जो कॉनकेब

सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर कहते हैं तो ऑफ़ कोर्स अगर मैंने यहां से एक मिरर काटा है तो इसका भी तो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा अगर मैंने ये मिरर काटा है तो इसका भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा तो सी तीनों में पाया जाता है फिर हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका एक बीचों बीच में एक पॉइंट होता है इसका भी एक बीचों बीच में पॉइंट होता है और इस मिरर का भी बीचों बीच में एक पॉइंट होता है इन पॉइंट को हम कहते हैं पोल इन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं इन पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं तो इस मिरर का हाफ क्या होगा पोल ठीक है तो पोल इज द पॉइंट जो कि उस मिरर का क्या होता है हाफ पॉइंट होता है अब हमारे पास में हम क्या करते हैं मान लो इसको हमने बोला पोल तो अब यहाँ पे पोल से सी को मिलाने वाली एक लाइन होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तो सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है and the distance and the distance between c and p is called radius of curvature this is your total r from distance c to p is your total r this is your total r this is your r अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास में जो आर का आधा यानी कि सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका भी हाफ अगर मैं इन दोनों को बोल दू पॉइंट है तो हाफ पॉइंट है, है फोकस तो हाफ पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ठीक है हाफ पॉइंट इज कॉल्ड एस ए फोकस और जो डिस्टेंस है पोल और एफ के बीच की दैट इज योर फोकस डिस्टेंस फोकल लेंथ तो सिंपल है समझ में आया सबको तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में यह स्पीय है स्पीयर का एक सेंटर होगा तो ऑफकोर्स मिरर का भी सेंटर होगा ठीक है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इस मिरर की कुछ रेडियस होगी ठीक है तो वो रेडियस आपके स्पीयर की भी होगी दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर आपके पास में रेडियस का जो हाफ यानी सेंटर और पोल के बीच का जो हाफ पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं फोकल बोलते हैं फोकस बोलते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड पोल इज फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड पी इज रेडियस या रेडी लेंथ ठीक है चलो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन कैसे परफॉर्म होता है तो हमको सबसे पहले क्या करना है तो अब इसके हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के रूल तो सेम ही है दोनों मिरर के लिए सबसे पहला रूल होता है आपके पास में कि अगर ये आपके पास में कौन किव मिरर है नाम क्या इसका कौन किव मिररर तो इस है, आ रही हो, अलग -अलग में आ रही होके हो रिफ्लेक्शन हो तो कैसे होता है तो रे में रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन रूल्स को पढ़ते हैं तो पहला रूल आपके पास में क्या होता है कि अगर आपके पास में ये कॉनकेव मिरर है तो मैंने कहा था कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं होगा दिस इज योर सेंटर सी जस्ट मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा ठीक है तो दिस इज योर सी इन दोनों का बीच का यानी कि दिस इज योर पी पॉइंट दिस इज योर पी पॉइंट दिस इज योर पोल अब मैंने आपको क्या कहा था मैंने कहा था आप लोगों से इसको मैं मिटा के ब्लैक कलर से लिख देती हूँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैंने इन दोनों का क्या कर दिया बीच बीच वाला पॉइंट लिख दिया दिस इज योर पी पॉइंट ठीक है तो दिस इज योर पोल अब मैंने क्या कहा था कि इन दोनों के बीचों बीच में क्या होता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है जो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ होता है दिस इज योर फोकस और ये आपके पास में कहलाता है फोकस तो पोल्स के बीच में पोल और सी के बीच में क्या होता है आपका फोकस होता है ठीक है तो ये चीजें आपको बस याद रखनी है तो हमारे पास में तीन मेन पॉइंट है सी एफ पी इसमें भी पी एफ सी तो दोनों में तीन तीन चीजें कॉमन है अब हमें क्या करना है हमें रूल नंबर वन तो रिफ्लेक्शन इन मिरर का सबसे पहला रूल है और लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस अब अब मान लो कि तुम्हारे पास में जो लाइट रे है वो क्या हो रही है वो पैरेलल आ रही है किसके प्रिंसिपल एक्सिस विच वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई लाइन क्या हो रही पैरल पैरेलल लाइन मतलब कि मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पे पैरेलल कोई लाइन आया ठीक है पैरेलल लाइट रेज आई तो पैरेल लाइट रेस जो आती है वो क्या करेगी तो आती तो पैरल है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके पैरल अगर बीम आती है लाइट रेस आती है तो वो ऑलवेज फोकस से होकर जाएगी तो ये वाला सबसे पहला रूल है पहला रूल क्या होगा पैरल आने वाली लाइट रेज फोकस से होकर जाएगी यानी मैंने यहां पर लिख दिया थोड़ा सा ऐसे अगर शॉर्ट में लिखू तो शॉर्ट में लिखू तो उसको ऐसे लिख सकते हो कि पैरल लाइट ऑन मिरर पैरेलल लाइट किसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के विल गोइंग टू बी ऑन फोकस फोकस से होकर जाएगी पैरेलल लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से जाएगी फोकस से होकर जाएगी कौन केव मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में यहां पर तो रिफ्लेक्शन नहीं होता कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कहां से होता है बाहर वाले सरफेस से यानी कि दिस आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन होता है तो इस पॉइंट पर आने वाली जो पैरल लाइट रेज होती है वो जब आपके सरफेस से टकराएगी तो ये जो है बच्चा ऐसे फील होता है कि ये फोकस से निकलते हुई लाइट जो है बैंड होती है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि लाइट रे जो कि पैरल आ रही थी आपके पास में प्रिंसिपल बैंड तो तो हो जाती है और ये इस पूरे के पूरे जो हमारा मिरर है इसके किसी पॉइंट एफ से बाहर निकल रही है जो लाइटरेज है ना वो ऐसे फील करती है कि वो एफ से बाहर निकल रही है तो रिफ्लेक्शन तो होता है बट फील क्या होता है कि वो फोकस पे जा करके मिल जा रही है ठीक है ठीक है दैट्स इट तो ये दोनों में डिफरेंस होता है ठीक है तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि पैरल लाइटरे जो है फोकस पे आकर क्या हो रही है वहां पे कन्वर्ज हो जा रही है तो दैट्स वाई यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं कन्वर्जिंग मिरर मतलब कि क्या कर रही है ये बेसिकली आने वाली लाइट रे को एक जगह पे फोकस कर दे रही है सब लोग देखो लाइट रे जो भी आ रही थी लाइट बीम्स जो भी आ रही थी उसे किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही है फोकस कर रही है इसे हम लोग इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं जबकि कॉन्वेक्स मिरर के पास में आने वाली लाइट रे जो है वो फैल जा रही सब देखो चारों डायरेक्शन में क्या हो जा रही है ये फैल जा रही तो रही है स्प्रेड स्प्रेड हो हो गई तो क्या लाइट हो रही तो लाइट जो है वो आके फैल गई जबकि यहां पे लाइट क्या हो गई एक जगह पे इकट्ठी हो गई तो दिस इज योर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट और इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइटर्जिंग रूल नंबर टू अब लाइट रे पहले फोकस आई प्रिंसिपल एक्सेस के अब मान लो लाइट रे जो है वो कहीं सी से होकर के गुजरी मान लो कि लाइट रे जो है वो किसी सी uh, से होकर गुजरती है या एफ से जाती है या पी से होकर जाती है तो अब डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रे को समझते हैं तो अब लाइट रे पासिंग थ्रू अपीयरिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ अ अरिकल मिरर बिकम्स पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस अब होता क्या है यहाँ पे अगेन मैं फिर से बना रही हूँ सेम चीज दिस इज योर पी दिस इज योर एफ दिस इज योर सी हि दिस इज योर पी एफ सी अब वॉट है समझा कि पैरल जाती है और यहाँ पे आने वाली लाइटरेज फैल जाती है और ऐसा फील होता है कि फोकस से निकल रही है अब ये समझो कि तुम्हारे पास में उल्टा हो रहा है अब तुम्हारे पास में फोकस फोकस पे मैंने लाइट सोर्स रख दिया मान लो फोकस पे कोई ऐसा मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो की फोकस पे पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो क्या होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है देखो यहाँ पे निकली कहां से फोकस से लेकिन हो कैसी गई है पैरेलल किसके प्रिंसिपल एक्सिस के यहां पर भी सेम अब लाइट रे जो है सब लोग समझना इस चीज को ठीक है तो अब लाइट रे है वो कैसी आ रही है अब लाइट रेस जो है वो बेसिकली हमारे पास में उल्टी आ रही मैंने कहा कि अब यहाँ पे उल्टा पॉइंट अब पहले क्या हो रही थी पैरल आ रही थी फोकस पे जा रही थी है ना डायरेक्शन क्या था हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ लाइट उल्टा था ये जो तो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग देखो यहाँ पे दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट तो पहले ऐसा आया यहाँ पर टकराया और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से निकल रहा है और पैरल हो जा रहा है ठीक है सेम चीज अब यहाँ पे हमारे पास में इस पॉइंट पर आप लोग देखो इस पी पे फोकस करो सब बच्चे अब यहाँ पे हमारे पास में लाइट रे जो है वो कैसी आ रही है ऐसे आ रही सब लोग देखो यहाँ पे लाइट रे जो है वो इस तरीके से आपके सरफेस पर आ रही है मतलब मैंने कहीं से ऐसा लाइट सोर्स को डाल दिया तो अब क्या होगा कि ये लाइट सोर्स जो ऐसे बाहर से लाइट रेज आएगी तो वो लाइट रेज अगर आपके पास में फोकस पॉइंट पर क्या होती है मिलती हुई लगती है तो वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी यानी कि जस्ट उल्टा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है हमारे पास में वो है कि अ लाइट रे पासिंग थ्रू और अपीयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ अब होता क्या है हमारे पास में मैंने आपको एक रूल बताना भूल गई फॉर द प्लेन मिरर फॉर द प्लेन मिरर मैंने आपको एक चीज बताना यहाँ पर मैं भूल गई थी और वो ये था मेरे पास में कि अगर मेरे पास में कोई लाइट रे नॉर्मल पर आती है मान लीजिए मेरी इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल का पाथ सेम है तो वहां पे लाइट रे उसी पर वापस चली जाती है ना अगर लाइट रे नॉर्मल से जीरो डिग्री का एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो भी जीरो डिग्री का एंगल बनाएगा यानी कि अगर नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल आई का वैल्यू जीरो है तो एंगल आर विल भी जीरो उसी पे वो क्या हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो सेम चीज यहां पर भी होती है तो अगर मेरे पास में मान लीजिए दिस इज योर पी दिस इज योर एफ दिस इज योर सी अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई लाइट रे जो है मेरे पास में वो सी से होके जा रही है ठीक है तो ये मेरे पास में कोई लाइट रे है जो कहां से होके जा रही है बच्चा वो सी से होके जा रही है है ना मतलब ये सी पॉइंट से होकर के जा रही है सी इज योर वे योर सेंटर ऑफ करवेचर दिस इज योर सी तो जब कोई लाइट रे सी से होकर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है कॉनकेव मिरर में तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है यानी कि रिफ्लेक्शन कैसा हुआ? वो गई तो कि आप लोग लो देख सकते हो कि एंगल आई इज जीरो, तो आर जीरो दिस तो जो आपके पास में जिस एंगल से आपके इस सरफेस के ऊपर यहां पर पड़ी है उसी से वो क्या हो गई गई है 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 वापस उल्टी उसी डायरेक्शन में चली गई है। और यहां पर भी सेम होता है। ये योर 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 दिस दिस इज़ इज़ सी दिस इज़ से होकर आ रही है मान लो तुम्हारे पास में कोई लाइट रे ऐसी होती जैसे कि वो सी पर के मिलने वाली है तो ठीक है थीके? तो एक डायरेक्शन आने वाली दूसरी जाने वाली समझे फोर्थ पॉइंट ये है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर मान लो तुम्हारे पास में दिस इज योर पोल दिस इज एफ दिस इज सी तो अगर तुम्हारे पास में कोई लाइट रे पी से आ रही है और मान लो वो क्या कर रही है टकरा रही है तो अब यहाँ पर क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर आपके जो इंसिडेंट एंगल आई रहेगा वो आपके इंसिडेंट एंगल आर के इक्वल रहेगा यहाँ कि इस इस पोजिशन में आई इज इक्वल टू एंगल आर सेम चीज अगर कोई लाइट रे यहाँ पर टकराती है आपके पास में यहाँ पे आपके पास एंगल आई बनाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एंगल आर को बनाएगी ठीक है तो ये चार रूल्स है जो कि आपको याद रखने हैं फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब हम लोग इसको क्या करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजिशन के हिसाब से लाइट रेस को देखेंगे कि किस तरीके से वो बिहेव करती है परफॉर्म करती है चलिए शुरू करते सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ इनफाइनाइट पर रखा इनफाइनाइट मतलब की क्या है इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है तो ऐसे बहुत दूर जैसे मान लो सन है तो सन से आने वाली लाइट रेस जो है मान लो वो इनफाइनाइट से आ रही है तो वो कहां पर जाके मिलेगी तो ये हम लोग सब लोग समझ रहे हैं तो वो लाइट बीम को हम मान लेते हैं कि पैरल लाइट बीम आएगी तो पैरल आने वाली लाइट रेस जो होती है वो कहा जाएगी बच्चा वो जाएगी इस पॉइंट पे फोकस पे जाके मिल जाएगी तो ये लाइट रे का डायरेक्शन है और यहाँ पे पॉइंट जैसा बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट सोर्स जैसा या पॉइंट जैसा क्या करेगी इमेज फॉर्मेशन करेगी तो इमेज कैसा बना यहां पर तो इमेज हमारे पास में है इमेज का नेचर ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज एंड पोजिशन ऑफ इमेज आपको हर किसी में लिखना है ठीक है तो आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है उनसे आने वाली लाइट रेस कहां पे मिलेगी फोकस पे मिलेगी. इंटरसेक्ट कर रही है आपको पता है रियल मतलब कि हमेशा इनवर्टेड रहेगा यानी कि उल्टा ठीक है इन्वर्टेड मतलब कि पूरा उल्टा ठीक है रियल इनवर्टेड एंड साइज कैसा रहेगा पॉइंट साइज एंड पोजिशन कहा है ऑन फोकस फोकस एफ पॉइंट नंबर एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सी अब इनफाइनाइट मतलब की दिस इज योर इनफाइनाइट सी मतलब दिस पॉइंट अब होता क्या है कि अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को मैंने धीरे धीरे पास में ला रही हूं अब मैं क्या कर रही हूँ मिरर के धीरे 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 पास में लेकर आ रही हूं अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पर प्लेस करा तो हमको पता है हमको बस याद रखना है जब भी तुम लोग कुछ भी मिरर के इमेजेस uh, बनाओ तो एक चीज याद रखना एक होगी पैरल लाइन जो कि हमेशा फोकस से निकल जाएगी और जितना हो सकते हैं उसको उतना ज्यादा क्या करना है आपको लंबा बनाना है नीचे दूसरी लाइट रे जो है वो या तो फोकस से होकर जाएगी या वो सी से होकर जाएगी दो ही ऑप्शन है आपके पास में या तो सी से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाएगी तो जब कोई लाइट रे आपकी कहां से होकर जाएगी जैसे मान लो यहां पे मैं फोकस से ही कोई लाइट रे लेके जा रही हूं तो फोकस से जाने वाली लाइट रे जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ठीक है वो क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है ठीक है मेरा पैरेलल जो है गलत बना है ठीक है तो ये क्या जाती पैरेलल हो जाती है सब लोग देखो यहाँ पे सही बनाया क्या मैंने ओके तो लाइट रे मेरी सही सही नहीं जा रही रुको वेट अ मिनट तुम्हारे तो पास में जो लाइट रे है तो वो फोकस से होकर के जाएगी एंड ये पैरेलल हो जाएगी ठीक है चलिए तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारे पास में जो इंटरेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है सब तो लोग देखो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला हमें दिस इज द योर इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये हमारे पास में क्या बना हमको इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि आप लोग इसको लाल रंग में देख सकते हो दिस इज द रेड कलर इज वॉट योर इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ आप लोग देखो दिस दिस इज इज योर योर इन दोनों के बीच में हमें क्या मिला है एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है जो बिटवीन सी एंड एफ है तो ऑफ कोर्स आपकी जो इमेज बनी है दिस इज योर रेड कलर की जो आप देख रहे हो वो क्या है वो आपकी इमेज फॉर्म हुई है कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग और क्लियरली देख सके तो आई विल गोइंग विद ग्रीन तो ये आपको क्या मिल रही है आपको इमेज फॉर्म होते हुए दिख रही है तो दिस इज योर इमेज दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज ए डैश एंड डैश इसको आप dash, dash से भी कर सकते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से डैश 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 का भी यूज कर सकते हो दिस इज योर वॉट दिस इज योर इमेज एंड कैसी इमेज होगी इमेज कैसी है रियल है इनवर्टेड बनेगी एंड कैसी बनेगी आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज है जैसे ये ए बी जो है मान लीजिए आपके पास में ये टेन सेंटीमीटर का है

होगी तो ये कैसी होगी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज ओके कहां पर बनेगी पोजीशन क्या है इसकी पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ ठीक है नेक्स्ट अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है प्लेस्ड एट सी पॉइंट सी पॉइंट मतलब कि दिस पॉइंट तो ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा हुआ है दिस इज योर ए बी ऑब्जेक्ट अब ए भी ऑब्जेक्ट अगेन सेम एक पैरल लाइन है जो कहां से होकर जाएगी आपके पास में फोकस से होकर के जाएगी अब दूसरी जो लाइट रहे है, वो अगेन फोकस से होकर जाएगी और कहाँ हो जाएगी आपके पास पैरेलल हो जाएगी ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होता है ऑन दिस पॉइंट तो आपके पास में ये बनाती है एक इमेज तो हमारे पास में ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो तो दिस इज योर ए बी और ये आपके पास ए डैश बी डैश जो है वो क्या है इमेज बना है तो ए डैश बीश बी डैश आपको क्या दिख रहा है इमेज दिख रहा है एंड दिस इमेज इज योर इज द सेम जैसे मान लो कि टेन सेंटीमीटर आपके पास में ऑब्जेक्ट की हाइट है तो आपके पास जो इमेज बना है उसका भी साइज कितना होगा टेन सेंटीमीटर ही होगा हमने क्या देखा प्रीवियसली हमने देखा कि जो भी आपके पास में इमेज बनी अगर आप सी और इन्फेनाइट के बीच में रखते हो तो वो स्मॉलर इन साइज है बट तो यहां पर क्या हुआ यहां पर आपके पास में सेम साइज बन रहा है 10 सेंटीमीटर अगर ए भी है तो उतना ही आपके पास में ए डैश बी डैश है दोनों का साइज कितना है बच्चा दोनों का साइज जो है वो कैसा है सेम है तो दैट मींस हमारे पास में रियल इमेज तो फॉर्म हुई है क्योंकि हमको रियल इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है दूसरा इन्वर्टेड है नो no डाउट और कैसी बनी है सेम एस object, सेम एस और पोजीशन क्या है इसकी पोजीशन ऑन C. तो सी पे रखे ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज है वो कहां बनेगी सी पर ही बनेगी। Then आपके पास में फोर्थ कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ तो सी और एफ के बीच में अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मतलब कि वो यहां पे कहीं पे रखा हुआ है तो अगेन एक पैरेलल लाइन जाएगी जो कि एफ से होकर जाएगी नो no डाउट इसमें ठीक है हमने अब क्या किया हम लोगों ने पहले इन्फिनाइट पे रखा था ऑब्जेक्ट फिर सी पे रखा अब इन दोनों के बीच में रखेंगे तो अब यहाँ पे एक लाइट रे जो है वो कहां से जाएगी सीधी जाएगी सीधी होकर और दूसरी लाइट रे आप लोग सीधे पोल से जाओ है ना कहीं और से मत घुमाओ सीधी एक लाइट रे को पोल पर डालो और पोल से होकर के जाने वाली जो लाइट रे आप लोग देखो तो एक लाइट रे आपकी कहां से गई फोकस से गई तो कहाँ पे गई बच्चा सॉरी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई टकरा करके ऐसी पैरेलल हो जाएगी दूसरी जो लाइट रे है वो कहां से 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 जाएगी? जाएगी। आपके पास में पोल से जाएगी। अगर ये एंगल आई से जा रही है तो यहाँ पे, एंगल आर बनाएगी। तो यहां पे कहीं आपको थोड़ी सी बाहर बनी है अब हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या हुई इसकी इमेज बनी तो दिस इज व्हाट दिस इज योर इमेज तो ये जो इमेज बनी है वो कैसी है इन्वर्टेड है और क्या ये आपको ऑब्जेक्ट एक टस से बड़ी दिख रही है ऑफ कोर्स तो हमारे पास में कैसी बनी है रियल इमेज है रियल इमेज है इन्वर्टेड तो है ही और फिर क्या हुआ साइज कैसा है लार्जर साइज या मैग्नीफाइड हम लोग से लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज इज व्हाट इमेज इज ये आपके पास में इमेज की इंफॉर्मेशन है तो इमेज कैसी है रियल है इनवर्टेड है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट और पोजीशन पोजीशन का है का है जल्दी बताओ पोजीशन तो पोजीशन है हमारे पास में इनफाइनाइट एंड सी के बीच में बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके पास में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है फोकस पे रखा है अब ही बात है मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसकी इमेज कहाँ बन सकती है इन्फेनाइट पे क्यों क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली ये समझा है कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो सारी आने वाली लाइट बिन जो होती है वो पैर हो जाती है फोकस पे रखे हुए होती है वो बच्चा आपके पास इन्फेनाइट पर इमेजेस ही बात है फोकस से निकलने वाली लाइट यहाँ टकराई तो पैरल पे क्या करेगी कटेगी और पैरल पे कभी रे कटेगी क्या नहीं दैट मीनस वो इन्फोनाइट पर जाकर के अपनी इमेज फॉर्मेशन करती है तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में फोकस पे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओके okay, तो हम लोगों ने कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है फोकस पर फोकस पे ऑब्जेक्ट हमारा है ए बी अगेन द रूल नंबर वन पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहाँ से होकर जाएगी फोकस से होकर जाएगी डाउट नो no. दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी पी से होके जाएगी एंगल आई के साथ में आई है तो एंगल आर के साथ में क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो अब जो यहाँ पे आप दो लाइटरे देख रहे हो कैसी है एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल लाइटरे है बच्चा इंफोनाइट पर मिलेगी और इन्फिनिटी पे मिलने के कारण इमेज कहाँ बनेगी बच्चा इमेज जो है लार्जर बनेगी और एट इन्फोनाइट ठीक है और रियल इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी लार्जर होगी और इन्फोनाइट पर बनेगी और इनवर्टेड होगी रियल इमेज लार्जर इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी देन आपके पास में जो सबसे लास्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन योर F एंड P तो आपके पास में दिस इज योर F दिस इज योर P अब इसके बीच में कहीं पर भी मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपके पास में AB अब पहला रूल तो वही है कि पैरेलल लाइन है ऑफ कोर्स फोकस से होकर जाएगी एक लाइट तो पैरेलल निकालनी है आपको जो कि फोकस से होकर जाएगी दूसरी लाइट रे जो है वो पी से होकर गई और उसी से क्या हो जाएगी बच्चा रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी पी पर गई पी से अगर आपके पास एंगल आई से गई है इंसिडेंट हुई है तो वो क्या होगी एंगल आर के साथ रिफ्लेक्ट हो गई अब आप देखो यहाँ पे एक चीज देखो ये लाइट रे ऐसे आगे जाएगी ये लाइट रे आगे जाएगी तो क्या ये आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं ये आगे जाके नहीं मिलेगी तो कहां पर मिलेगी ये लाइट रे जाएगी पीछे की ओर पीछे 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 pी� पीछे 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 तो अब आपको मिल गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए-डेश बी एडस तो आप देखो आपकी छोटी सी इमेज आपकी छोटा सा ऑब्जेक्ट था इमेज देखो कहां पर बनी आपकी ए-डेश बी बीडेस और वो भी कहां पे मिरर के पीछे बनी है दिस इज योर मिरर मिरर के पीछे बनी है और मिरर के पीछे क्या बनी है बी बीडेस ये मैग्नीफाइड है मैग्नीफाइड इमेज वर्चुअल है क्योंकि ये एक्चुअल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या नहीं कर रही तो ये कैसी हो गई वर्चुअल है और कैसी बनेगी वर्चुअल है मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है ठीक है और कहा बनी है बिहाइंड मिरर ओके तो बिहाइंड द मिरर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अब ये छोटा सा क्या बोलते हैं लाइक आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए ये आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है ठीक है साइज ऑफ इमेज कहाँ पर है और नेचर ऑफ इमेज कहाँ पर है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो तो उसको याद रख सकते हो नाउ आपके पास में आप बात करते हैं किसके लिए कौन मतलब इट पर रखा हुआ है तो course, पर रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो पैरल बीम डालेगा तो कैसा फील करता है कि वो बच्चा आ तो रहा है पैरल लेकिन क्या हो जा रहा है वो डाइवर्ज हो जाता है तो हम इस पोजीशन पे क्या बोलते हैं हम इस पोजीशन पे ये बोलते हैं कि यार हमारे पास में जो आने वाला लाइटर है वो पैरेलल हो जा रहा है और ऐसा फील होता है कि, कि आपका इमेज हो रहा है. तो यहां पे का बनता है ठीक है तो जो भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फेनाइट पर होता है तो पॉइंट साइज का इमेज बनता है बहुत छोटा इमेज है मतलब पॉइंट साइज का और कैसा होगा भाई ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये क्या है पॉलिस्ट सरफेस है दिस इज योर पी तो अब होगा क्या यहाँ पे अब आपके पास में जो इमेज के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है सब लोग देखो यहाँ पे मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है तो दिस इज योर वर्चुअल इरेक्ट इमेज और कहां पर बन रहा है ऑन फोकस ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पोजीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी अब आपके पास में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में सो so बेसिकली आपके पास में क्या हो रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी यहाँ पे एफ लिखा हुआ है यहाँ पे इसको इन्फेनाइट कर लीजिए तो अब आपके पास में पोल और इन्फेनाइट के बीच में क्या कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो आने वाली एक लाइट रे जो है वो ऑफकोर्स आने वाली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसा फील होता है कि वो फोकस से होकर जाएगी तो आप ये वाली रे देखो तो ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर जा रही है दूसरी रे जो है वो बच्चा वो सी की डायरेक्शन में जाएगी वो क्या करेगी सी की डायरेक्शन में जाएगी और जिस डायरेक्शन पे गई थी उसी से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी यानी कि सी डायरेक्शन में कुछ ऐसी गई थी और उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो एफ और पी के बीच में बनेगी और बहुत ही डिमिनिश्ड बनेगी आप देखो यहाँ तो मिरर से चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो ये एक फैक्ट बात है चाहे आप ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखो पास में रखो दूर कहीं पे भी रखो इमेज हमेशा छोटी सी बनेगी डिमिनिश्ड बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहां पर बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस ठीक है तो आपके पास में जो इमेज बनेगी कहां बनेगी दिस इज योर पोल दिस इज योर फोकस इन दोनों के बीचों बीच में बनेगी ठीक है चलो अब आपके पास में बच्चा कुछ याद रखने की फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको बस ऐसे ही याद रखना है दैट सेट ठीक है तो अगर आपको ये याद रहता है तो आप लोग बच्चा पूरी तरीके से जो आपका मेन फंडामेंटल चीज है वो उसको याद रखोगे तो दिस वॉज योर रिफ्लेक्शन ठीक है तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है रिफ्लैक्शन मतलब कि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर जाती है रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट जा रही है लाइट कहां जा रही है ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है इसे हम लोग पढ़ना है रिफ्रैक्शन में उसके पहले हम लोग यहाँ पर अब हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉनकेव कॉनवेक्स एंड प्लेन मिरर की एप्लीकेशन अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है ठीक है फिर हम लोग रिफ्रेक्शन चालू कर सकते हैं या फिर मैं इसको एक काम करती हूँ सबसे लास्ट में जब हम लोग लेंस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तब भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है चलिए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले मिरर के अंदर मेरे को लगता है नहीं कि अब किसी को कुछ भी डाउट रहा होगा अब हम लोग बात करते हैं मेन हमारा मिरर फॉर्मूला मैंने कहा था कि अब हम इसके बाद में लेंस पढ़ेंगे तो लेंस के पहले जो हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण चीज बसती है वो है आप सभी का मिरर फॉर्मूला उसको पहले कवर अप करने के आपको समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन अब ये क्या चीज है जो कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है जब भी हम लोग क्या करते हैं बच्चा हम किसी भी मिरर को पढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कहने का मतलब क्या है आपके पास में कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्या रखा हुआ है एक मिरर रखा हुआ है तो अब हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है ऑब्जेक्ट किधर साइड रखा है इसका इमेज किस डाइ

की डायरेक्शन जो भी स्टेंस होगी उसे हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मैंने कहा कि पोल के यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये जो यू आप देख रहे हो इसका जो साइन है उसको नेगेटिव लिया जाएगा क्यों क्योंकि ये जो यू है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है किसके आपके लाइट रे के तो ऑब्जेक्ट से पड़ने वाली लाइट रे किस डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसे ली जाती है निगेटिव ली जाती है इसको आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपके पास में एक्स एक्स डैश वाई y डैश है तो x डैश की डायरेक्शन कैसी होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है एंड x आपके पास में जो x डैश होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है ऊपर वाली जो

है और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो साइन हमेशा इसी तरीके से यूज किए जाएंगे आपका यू यानी कि जो इस तरफ मापी गई जितनी भी डिस्टेंस है पोल आपका ओरिजिन हो जाएगा क्या होगा बेटा ये पोल जो है वो जैसे यहां पर जीरो होता है ना ग्राफ में यहाँ पे आपका आप क्या होता है ओरिजिन पॉइंट होता है वैसे ही आपके पास में जो पोल हो जाएगा उसे हम ओरिजिन मानेंगे इधर की डिस्टेंस नेगेटिव इधर की पॉजिटिव ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव ली जाती है तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलू कि मेरी जो इमेज है मेरी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है तब बच्चा आपका जो यू होगा तो यू को साइन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इस तरफ का जो डिस्टेंस है पोल से इसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है अगर आपको ग्राफिकल मेथड आपको ग्राफ ग्राफ समझ में में आते हैं तो जहां पर ग्राफ में क्या होता है है बेटा इस तरफ की डायरेक्शन जो है, वो नेगेटिव इधर की जो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव तो हाइट जो होती है वो पॉजिटिव होती है और इमेज जो उल्टी फॉर्म होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है उसकी हाइट को इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं आगे दैट मींस अगर आपके पास में मान लीजिए मैंने बोला कि ये कौन सा मिरर है जी नाम बताइए इसका तो ये मेरे पास में कौन केव मिरर है एम आई राइट दिस इज़ योर कौन केव मिरर है ना और ये मेरे पास में कौन सा है कॉन्वेक्स है इसमें किसी को शक ये है आपके पास में डाइवर्जिंग ये है कन्वर्जिंग मिरर अब इसमें क्या फंडा है मैंने बोला कि अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और इसका इमेज जस्ट एज्यूम कर लो कि यहां कहीं बन रहा है मैं बस बता रही हूं कि इमेज यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हो रहा है और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है मैंने बोला कि पोल से आपके ऑब्जेक्ट ए बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए मैंने कहा कि यू का वैल्यू कितना है बच्चा माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर है और मैंने आपसे कह दिया बस मान लीजिए कि v का वैल्यू माइनस थर्टी सेंटीमीटर है मैंने एग्जाम में आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि u इज माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड v इज माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि दिस डिस्टेंस इज Here. तो आपके पास में 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 30 सेंटीमीटर योर ए डैश बी डैश और अगर मान लीजिए इफ मैंने इसी में कंडीशन लगा दी if मैंने बोला कि थर्टी सेंटीमीटर मैंने बोला वी इज प्लस थर्टी सेंटीमीटर तो उसका मतलब क्या होगा अगर मैंने प्लस साइन लगा दिया तो इसका मतलब है कि जो भी इमेज फॉर्म हुआ है वो थर्टी सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर हुआ है दिस इज योर तो दैट वैल्यू इज योर विल बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव थर्टी सेंटीमीटर शो कर रहा है कि ये इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है ठीक है आई होप कि ये चीज समझ में आएगी सेम फॉर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तो एक ही पोजीशन होती है कि कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखो आपका जो इमेज है वो यही बनेगा दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी दिस इज ए डैश बी डैश योर इमेज तो अब आपके पास में क्या सीन है अगर ये डिस्टेंस आपके पास में यू है तो यहां पे जो आपके पास में इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा तो आपके पास में यो यहां पे होता है यू नेगेटिव साइन में जो दिस इज माइनस नेगेटिव साइन वी इज पॉजिटिव एफ विल बी पॉजिटिव एंड योर सी विल बी पॉजिटिव सिंपल क्योंकि आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो है वो यहाँ कहीं होगा ये आपका सी है तो मैंने क्या कहा कि मिरर के जो इस तरफ है यानी कि इस तरफ की जो भी डायरेक्शन होगी उसको पॉजिटिव लोगे तो मिरर में फोकस इस साइड होता है आपका जो सी है वो भी इस साइड होता है तो हमको ये पॉजिटिव लेना है बट यू कहाँ होता है अफकोर्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तो ये है अंदर वाली है क्या नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड रहेगा इसके अंदर रहेगा है ना ये चीज समझे आप लोग

आपके पास में जो एफ है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा एंड सी इज अगर ये कहानी याद है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दिस इज योर साइन कन्वेंशन अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं अबाउट योर मिरर फॉर्मूला ठीक है तो मिरर फॉर्मूला के बाद में बारे में बात करते हैं एंड देन मैग्निफिकेशन दो चीजें हम लोगों के पास में है सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी मिरर फॉर्मूला की तो मिरर फॉर्मूला आप लोगों को बच्चा प्रूफ करने के लिए नहीं बताया गया है क्लास ट्वेल्थ में उसका प्रूफ है कि कैसे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला निकाला है तो वॉट इज दिस बेसिकली तो ये हमें एफ यू और वी के बीच रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करवाने के लिए यूज करते कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में दिस इज योर फोकस दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज तो यहां पे आपके पास में जो ये जो डिस्टेंस आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हो दिस इज योर फोकस मैंने आपको यू और वी का वैल्यू बता दिया तो ये हमें एक रिलेशन बताता है यानी कि अगर आपको फोकस को रिलेट करना है किसी के साथ में आपको मैंने बोला कि आपके पास फोकस है आपके पास में ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है आपके पास में इमेज तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो अगर आपको फोकस पता है आप इजिली फाइंड

वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी या वन बाई वी प्लस वन बाई यू इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर सेंटीमीटर और ठीक है तो ये आपके पास में फॉर्मूला है, है यू क्या है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोल एंड ऑब्जेक्ट वॉट इज वी वी इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज एंड वॉट इज द फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस ठीक है दैट इज सेट इतना इतना सा मिरर फॉर्मूला है अब एक चीज इसमें और आती है, magnification. Magnification क्या होता है? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते तो मैग्निफिकेशन हमको बताता है इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है किसी मिरर से कितना मैग्निफाइड बना है या कितना ज्यादा डिमिनिस्ड बना है तो ये चीज बेसिकली हमें बताता है मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन एक कह सकते हो पैरामीटर है जो कि हमें समझाता है बताता है कि कि मिरर से बनने वाले जो भी इमेज है वो कितना बड़ा बना है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या कितना छोटा बना है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इवन हमें ये भी बताता है है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है, वो वर्चुअल है या इरेक्ट है यानी कि अगर मैंने आपको एक रैंडम मिरर दे दिया मैंने बोला चलो निशांत ये लो तुम्हारा एक क्या है तुम्हारे पास में ये एक मिरर है और मैंने सिर्फ इतना कहा तुम लोगों से कि चलो इस मिरर का तुम फोकस निकालो तुम तो फोकस निकालोगे मैंने पूछा कि बताओ कि इससे इसके पास में अगर मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है मैंने मान लो मैंने बोला कि टेन सेंटीमीटर पे इस मिरर का अ, मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो बताइए कि इसका जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगा मैंने जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि एक रैंडम मिरर मैंने आपको दिया है आपको पता लगाना है कि इसका फोकल लेंथ क्या है दूसरी चीज मैंने आपसे बोला कि यार ये जो मिरर है इसके सामने 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखो और पता लगाओ कि इमेज कहाँ बन रहा है कितना बड़ा है वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है कैसे पता लगाओगे ये सब चीजें आपको मैग्निफिकेशन अकेले से पता चल जाती है इसके कुछ रूल्स हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि इफ आपके पास में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि जो h है उसका वैल्यू मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और मैंने आपसे कहा कि आपके पास में मैं तीन केस दे रही हूँ बच्चा मेरे पास में क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे आपको थोड़े से तीन दो तीन ठो केस दिखाऊंगी सबसे पहली चीज है मैंने आपको बोला की इफ योर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर मेरे आपको लोगों को 20 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है एंड मैंने कहा कि जो आपके पास में इमेज का हाइट है वो अप्रोक्सीमेट कितना है 30 सेंटीमीटर बना है मैंने क्या बोला आपके पास में पहली चीज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है इमेज गिवन है मैंने मैंने आपको बोला आपसे कहा कि जो इमेज है थर्ड वन इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड मैंने कहा कि एच डैश जो है वो भी ट्वेंटी सेंटीमीटर है यू हैव थ्री केसेज जहां पर आप देख सकते हो कि इमेज का हाइट ज्यादा है फिर आप देख सकते हो इमेज का हाइट कैसा है छोटा है एंड थर्ड वन में आप देख सकते हो कि इमेज का जो साइज है वो सेम साइज एस क्या है आपके पास में ऑब्जेक्ट है अब इन तीनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे M का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो हियर विल बी एच डैश होता है H H यही है तो यहाँ पे एच डैस कितना है थर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी कितना आया आपके पास में थ्री बाई टू यानी कि अप्रोक्सीमेट वन पॉइंट फाइव है ना तो थ्री बाई टू यानी कि टू वन जर टू

सॉरी तो आएगा है ना विदाउट एनी यूनिट तो अब आप तीनों ही केसेस को ध्यान से देखो एक में आप देख सकते हो कि योर मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है बच्चा आपके पास में मैंने कहा कि जो मैग्निफिकेशन है एक माइक ओके तो हमारे पास में जो मैग्निफिकेशन है वो सबसे पहली चीज इसका रूल क्या है देखो यहाँ पर जब हमारे पास में हाइट ऑफ द

आपके पास में m का वैल्यू अगर m का वैल्यू जो है 1 से छोटा हुआ यानी 0.5 हुआ दैट मींस हमारे पास में छोटी इमेज बनी है और अगर आपके पास में 1 से लार्जर या ग्रेटर m का वैल्यू हुआ तो आप देख सकते हो कि जो इमेज का जो बच्चा हाइट है वो मोर देन योर ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि आपके इमेज के आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो बना हुआ इमेज है वो कितना मैग्निफाइड है या वो कितना diminished है अब इसको इसको ऐसे ऐसे समझिए so आपके पास में समझो बच्चा कि अगर मैंने आपसे कहा कि एच जो है वो क्या है डिनोमिनेटर है और एच डे आपका नॉमिनेटर है तो यार देखो यहाँ पर होगा ऑफकोर्स डिनोमिनेटर जब छोटा होगा of course, तो एम का वैल्यू बड़ा होगा अरे लॉजिकली सब लोग समझो कि अगर आपके पास में डिनोमिनेटर छोटा होगा तो एम का वैल्यू तो बड़ा होगा ना

ये कैसी बनेगी मैग्नीफाइड बनेगी इफ एम का वैल्यू इज लेस देन वन है दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे इमेज कैसी बनेगी डिमिनिश्ड बनेगी और अगर मैंने आपसे कहा कि एम का वैल्यू कितना है वन है दैट मीन्स आपके पास में एम इज इक्वल टू वन दैट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ यस, राइट yes, right? यहां तक के सबको समझ में आया बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज थी है। इसको एक और फॉर्मूले से यह इसको एक और चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है m इज इक्वल्स टू -v बाय u सो so -v यहाँ पे हमारे पास में जो m है वो यहाँ पर बेसिकली -v बाय u के रिस्पेक्ट में भी शो किया जाता है व्हाट दैट मींस तो v इज द डिस्टेंस v क्या आपको पता है v इज नथिंग बस डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख रही हूँ डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है आपके पास में ये आपके ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच की डिस्टेंस होती है U इज वॉट U इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सॉरी आपके पास में ये इमेज एंड पोल है ना ये I फॉर इमेज एंड पोल एंड ही इट इज O फॉर ऑब्जेक्ट एंड पोल है ना दिस इज O एंड P. यहाँ तक के क्लियर सब लोग को तो ये आपके पास में क्या हो गया O एंड तो इससे हमको क्या समझ पड़ रहा है इससे हमको समझ ये पड़ रहा है कि आप लोग तो सब लोग ध्यान से देखो अगर मेरे पास में नेगेटिव साइन है सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास में वी और यू दोनों का वैल्यू यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो इफ वी इज एंड दिस इज द नेगेटिव साइन अगर आपके पास में है दैट दैट मेरे पास में इमेज जो है वो कैसी है रियल इमेज फॉर्म हो रहा है और अगर एम का वैल्यू जो है बच्चा वो पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स मेरे पास में जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी वर्चुअल हो जाएगी पॉजिटिव साइन क्या शो करता है वो पॉजिटिव साइन जो है वो शो कर रहा है आपके पास में।, बहुत सी है. में होती है अभी पढ़ा हमने साइन कन्वेंशन हमने यहां सीखा कि जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखो यहां पे इमेज बनी थी तो वॉज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर तो सेम चीज है कि अगर आपके पास में मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो इमेज कैसी होती है पॉजिटिव और हम बोलते हैं कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है है ना तो यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होती है बच्चा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जबकि आप जान रहे हो जबकि आप सब जानते हो कि हमारे पास में फॉर दिस लेंस It can be positive, it will be negative, दोनों ही केसेज हो सकते हैं तो यहाँ पर अगर क्या है कि हमारे पास में, जो image है वो किस में मिरर के सामने फॉर्म हुआ है और मिर के सामने की जो डिस्टेंस होती है यानी कि अगर मान लीजिए इमेज यहां का ही फॉर्म होता तो दैट इज दाइन ऑफ वी एंड दिस इज द क्या होती बच्चा रियल इमेज है ना और यहां पे क्या होती है ये आपकी वर्चुअल इमेज ओके चलिए

क्या है कि अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपको जो मिरर का कॉन्सेप्ट है मिरर का जो फॉर्मूला का मैग्नीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा बट मैं ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको जो मिररर फॉर्मूला है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो so, हमारे पास में क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल अब टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है कि हमें लीनियर मैग्निफिकेशन क्या करना है कैलकुलेट करना है कि हमारे में यू का वैल्यू क्या गिवन है माइनस में टू एफ माइनस क्यू लिया है माइनस मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास में मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेस मिरर के जस्ट फ्रंट में रखा होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे तो ऑफकोर्स दिस इज नेगेटिव

तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है जी? तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास में है one by f is equals to one by v plus one by u तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या किया मैंने यहाँ पर अब सेम फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर आगे लिखा यहाँ पे जो u का वैल्यू क्या है minus 2f पुट कर देंगे तो one by f is equals to one by v minus साइन है तो माइनस वन बाई टू एफ लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ आगे क्या हो जाएगा इसको स्टेप बाय स्टेप तो आपके पास में जो वन बाई वी हो जाएगा उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं वन बाई एफ प्लस वन बाई टू एफ लिख सकते हैं सोल्व करो इसको कितना आएगा सोल्व करो भाई से पर आपके पास में टू प्लस वन थ्री क्या ये सबका थ्री बाई आया एक बार सॉल्व करना और बताना मुझे कि थ्री बाई टू एफ आया सबका तो वन बाई वी का वैल्यू कितना है हमारे पास में सो हियर इट इज द वैल्यू ऑफ वन बाई थ्री बाई टू एफ्री बाई टू एफ अब क्या करना है सब लोग ध्यान से सुनो अब हमारे पास में हमें v का वैल्यू मिल चुका है तो मैग्निफिकेशन विल बी माइनस में v बाई यू तो m विल बी v का वैल्यू कितना है थ्री बाई टू एफ या इसको ऐसे मत लिखो अगर आपको कंफ्यूजन होता है बार बार तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस में थ्री बाई टू एफ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय यू यू का वैल्यू कितना है भाई तो यू का वैल्यू हमारे पास में और वो है माइनस में टू एफ तो यहां पर आप लोग देखो जो हमारे पास में बच्चा सॉरी 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 आई डेड ह्यूज मिस्टेक एंड दैट इज वैल्यू ऑफ वी तो वी क्या हो जाएगा यहाँ पे वी विल बी टू बाई टू एफ बाई थ्री यही होगा ना अरे हमने उल्टा कर दिया वन बाई वी का वैल्यू मिला था तो वी क्या हो जाएगा टू एफ बाई थ्री तो अब यहाँ से क्या निकलेगा मैग्निफिकेशन तो माइनस में वी का वैल्यू हो जाएगा टू एफ बाई थ्री डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे इसको डिवाइडेड बाय यू जो कि है माइनस में टू एफ तो जब इसको सॉल्व करोगे माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया तो आंसर आ गया आपके पास में थ्री एंड सब लोग यहाँ पे नोटिस करना क्या नोटिस करना कि हमारे पास में वैल्यू जो आया है वो एम इज इक्वल टू प्लस वन बाई थ्री सो प्लस साइन क्या डिनोट करता है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी यस yes, तो हमारे पास में सबसे पहली चीज जो प्लस साइन है वो हमें बताता है कि यहाँ पे जो इमेज है वर्चुअल बनेगी एंड वन बाई थ्री जो है वो क्या शो कर रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक से बड़ा है नॉमिनेटर से बड़ा है यानी कि जो एम का वैल्यू आएगा छोटा आएगा तो ये हमें बताता है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो बहुत छोटी इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट के साइज की तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास में कौन सा मिरर है कॉन्वैक्स मिरर है हमें तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं पड़ती क्योंकि हम सभी जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो बनने वाला इमेज होता है हमेशा डिमिनिश्ड होता है यस yes? तो ये छोटी -छोटी है। तो इस तरीके से आपको वो शुरू होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब क्या होता है अब तक मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी सरफेस से लाइट गया टकराया और मुड़ गया उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन तो रिफ्रैक्शन क्या है जब वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रा... क्या करता है ट्रेवल करता है यही चीज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हमारे पास में लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है दैट वहां पे वो वो अपने मीडियम मीडियम में जाने के बाद यानी जब भी वो चेंज करता है तो लाइट रे जो है वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है रिफ्रैक्शन की आप लोग देख सकते हो द चेंज इन द डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ अ लाइट वे पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनादर कॉड बाई द स्पीड इन स्पीड रिफ्रैक्शन तो ये कहने का मतलब क्या है आपके पास में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली हमें बताता है कि मान लीजिए आपके पास में ये कोई मीडियम वन है ये एम वन यानी कि मीडियम वन है दिस इज योर मीडियम टू इसका नाम मैंने दे दिया एम टू तो जब आपके पास में मीडियम वन से मीडियम टू मीडियम कुछ भी हो सकता है लाइक like आपका एयर हो हो गया हो गया ग्लास कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट जो है आर पार चला जाता है तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम तो आपके पास में जस्ट एज्यूम कर रही हूं कि एम वन जो है वो क्या है एयर है एंड एम टू जो है वो वॉटर है अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मीडियम कितना रेयर है या कितना डेंस है उससे हमारा लाइट रे का जो पाथ है बहुत रहता है तो एयर जो होता है वो कैसा मीडियम है एक टाइप का रेयर मीडियम होता है जबकि वॉटर कैसा होता है रे, रेयर मतलब एयर के सापेक्ष या एयर के रिस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम होता है तो जितना डेंसर मीडियम रहेगा उसमें लाइट उतना ही बेंड होता है तो यहाँ पे आपके जो आने वाला लाइट रे है वो क्या हो जाएगा सीधा ना जाके लाइट का पाथ ये सीधा सीधा है लेकिन वो इस तरीके से बैंड हो जाता है दिस इज योर रिफ्रैक्शन तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या जाता है वो थोड़ा सा अपने पाथ से मुड़ जाता है दैट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है और जितना मीडियम हम बदलते हैं लाइट का स्पीड उतना ही चेंज होता है अब जैसे मान लो कि आप एक खाली सड़क पे दौड़ रहे हो और एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है तो लाइट मान लीजिए कि खाली जगह यानी कि जो रेयर मीडियम होते हैं वो बिल्कुल कम पार्टिकल वाले होते हैं बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं तो वहां पर लाइट को ट्रेवल करने में बड़े मजा आते हैं लेकिन जब ट्रैफिक में जाता है जब बहुत भीड़ भाड़ में जाता है तो क्या होगा उसे रुक रुक के चलना पड़ता है तो तब वो अपनी स्पीड को स्लो कर देता है एंड दैट इज द रीजन की वेव की जो स्पीड होती है वो क्या जाती है स्लो हो जाती है जिसके कारण जितना डेंसर मीडियम होता है लाइट उतनी तेजी से या उतना ज्यादा बेंड होते चले जाती है तो अब ये क्या है चलिए इसको और जानते तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कभी पेन आ, किसी भी कांच के ग्लास में पेंसिल को रखा होगा तो आप देखना पेंसिल जो है वो स्ट्रेट ना दिख के आपको हल्की सी बेंड हुई दिखाई पड़ती है एंड ऐसा क्यों होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है लाइट का ठीक है

कुछ जो आपके जो लेयर है 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 ना वो बहुत ज्यादा डेंस तो कुछ में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं तो इस कारण से जब लाइट आपके पास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती तो वो बार 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 बैंड होते रहती है एंड बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग आपका जो लाइट होता है आपकी आंखों पे पड़ता है स्टार्स का वो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार तो वो ट्विंकल ट्विंकल क्यों दिखाई पड़ता है क्योंकि जो लाइट है आने वाला लाइट आपकी आंखों पर सीधा नहीं पड़ता वो बहुत सारी लेयर्स में से बार 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 क्या होता है अपना पाथ को चेंज करते रहता तो आप देख सकते हो कि बार बार क्या होता है पाथ चेंज होते रहता है एंड दैट इज द रीजन कि स्टार्स आपको ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ता है चलिए अब रिफ्रैक्शन के रूल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग तो रिफ्रैक्शन के जो मेन फंडामेंटल चीज है वो क्या है पहले बता देती हूँ मैं आपको मान लीजिए कि आपके पास में एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है मीडियम दो टाइप के होते हैं एक होते हैं रेयर दूसरे होते हैं डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के हमारे बारे में हम लोग बात करते हैं जैसे कांच या फिर ग्लास जिसको आप बोलते हैं तो मान लीजिए ये मेरे पास में ग्लास का एक स्लैब है तो एयर क्या होता है रेयर रेयर मीडियम मीडियम होता है 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 आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एयर एक रेयर है, ठीक है? और फिर जो ग्लास होता है वो डेंसर मीडियम है अब इमेजिन करो कि मेरे पास में क्या होता है कोई लाइट रे आता है तो जब कोई लाइट रे आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट लाइट इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास में इंसिडेंट लाइट हो जाएगा या इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे के नाम से बस मैं इसको लिख रही हूं दिस इज योर इंसिडेंट रे तो जैसे ही तुम्हारे इस ग्लास के सरफेस पे पड़ी तो दिस इज द प्लेन है ना जिस प्लेन पे क्या हुई इसका कॉन्टेक्ट हुआ है तो दिस इज द प्लेन जिस पे आपकी इंसिडेंट लाइट का काट हुआ है तो जिस पॉइंट पर ये पड़ी है वहां पे आपको पता है एक नॉर्मल खींच दिया जाता है तो दिस इज योर नॉर्मल जो कि सरफेस से नाइंटी डिग्री के एंगल पे होता है सबको पता है ना ये चीज सबको पता है ना कि नॉर्मल जो होता है वो सरफेस से कितने नाइंटी डिग्री के एंगल पर है तो इंसिडेंट एंगल भी बन जाएगा यहाँ पे जो कि नॉर्मल से बनाता है दिस इज योर आई तो आई क्या हमारे पास में सो दिस इज आई एंड दिस इज योर इंसिडेंट एंगल अब मैंने बोला था कि light जब किसी rare medium से medium में जाती है, तो वो बैंड होती है अब वो किस direction में होगी हमें देखना है। तो अगर नॉर्मल से किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट हमेशा आपके जो भी नॉर्मल है उसकी तरफ बैंड होती है दैट मीनस आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर एंगल आई विल बी बाहर ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आई अब सब लोग देखो दिस इज द सेकेंड थिंग आपके पास में लाइट ये आपका लाइट का एक्चुअल पाथ था दिस इज योर एक्चुअल पाथ फॉर लाइट बट ये एक्चुअल पाथ मिला रहा है क्या नहीं अब लाइट ऐसे बेंड हुई है और बेंड होने के बाद जब वापस से ग्लास से एयर में वापस से कहा जाएगी एयर में जाएगी तो आप फिर से एक नॉर्मल ही जो दिस इज योर इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा उसके लिए और यहाँ पर अब वो वापस से क्या हो जाती है आपके जो नॉर्मल से दूर चली जाती है अब यहाँ पर देखो जो एंगल आर है दैट इज ग्रेटर तो यहाँ पर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल

साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड योर स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ इज बेसिकली हमारे पास में एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम है स्नेल उन्होंने ये रूल दिया था कि अगर आप लोग यहाँ पर मान लीजिए मैंने फिर आपको बताया कि मान लो कि ये आपके पास में ये एयर है दिस इज योर वॉटर दिस इज योर नॉर्मल दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल सॉरी दिस एंगल आर ठीक है तो एयर से वाटर में गई तो आपके नॉर्मल तरफ बैंड हो जाएगी तो यहां पर क्या बना आपके पास में ये एंगल आर है तो ये आर और इस आई का अगर आप साइन कंपोनेंट लेते हो आप क्या ले रहे हो बेटा साइन, ले साइन लेते हो और इन दोनों के साइन का रेशो लेते हो तो ये रेशो निकालने पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जिससे हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्स्टेंट वैल्यू और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके रेशो की बात कर रहे हैं साइन आई के बटे में साइन आर यानी साइन आई बाय साइन आर अगर आप लोग लेते हो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ऑलवेज सेम रहेगी फॉर दैट मीडियम यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में अगर आप वाटर में हमेशा एंगल आई बाय एंगल आर निकालोगे तो सेम रहेगा ये कभी चेंज नहीं होगा अगर आपने वॉटर के रिस्पेक्ट में एयर का ये कौ, आ, क्या निकाला आप लोगों ने अगर ये वैल्यू निकाला तो ये ये सेम रहेगा चेंज नहीं होगा दिस कॉल्ड योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं सो बेसिकली एन यहां पे आपके पास में क्या है दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम क्या है इसका रिफ रैक्टिव इंडेक्स अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कुछ नहीं है ये साइन के आई के बटे में साइन आर होता है साइन आई बाई साइन आर और ये जो रेशो आप लोग देख रहे हो ये रेशो हमें बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो कितना बेंड हो रहा है आपके नॉर्मल की तरफ या कितना दूर जा रहा है आप लोग खुद देखो कि साइन आई बाई को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि मैग्निफिकेशन कर रहा था तो सेम चीज यहाँ पर पर वो मैग्निफिकेशन दूसरी चीज है यहाँ पे ये दूसरी चीज है यहाँ पे ये हमें बता रहा है दो मीडियम के बीच में अगर आपका कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पड़ रहा है तो उसकी साइन और जो रिफ्लेक्टेड आपका जो रिफ्रेक्टेड एंगल है उसका जो आर है दोनों का अगर रेशो लो तो ये एक है, तो इसे हम लोग so तो यहाँ पे ये, ये समझाने की कोशिश करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होते हैं तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है तो लाइट जो है वो फास्टर हो जाएगा दूसरे मीडियम में या वो पहले से अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा वो बताता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जैसे मान लीजिए इफ इफ एन इज रिफ रेक्टिव इंडेक्स ऑल्सो वी इज वेलोसिटी इन अ मीडियम And U is sorry, and C is velocity of light in air or vacuum. तो वैक्यूम सबसे रेयरेस्ट मीडियम है रेयरेस्ट मीडियम क्यों कहते हैं वैक्यूम को क्योंकि आपके पास में जो वैक्यूम है वहां पे कोई पार्टिकल है ही नहीं तो पार्टिकल नहीं रहेगा तो लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत नहीं होगी तो जब अर्थ के सरफेस पर आपके पार्टिकल्स नहीं आ, आते हैं तो लाइट जब अर्थ पर वापस आता है आप लोग सोचो कि सन से लेकर के अर्थ तक के बीच में कुछ भी नहीं है कोई मीडियम नहीं है बस लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है विदाउट एनी मीडियम तो वहां पे हम बोलते हैं कि वैक्यूम है और जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है तो एयर जो है उसको फेस कर

जो एट uh, है मीटर पर सेकेंड आपका एयर में स्पीड uh, होता है तो वैक्यूम में एयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण हम लोग मान लेते हैं है, uh, है। तो है, दो फॉर्मुले हमको मिल जाते हैं so, तो है। दूसरा होता है आपके पास में एन इज इक्वस टू सी बाई ये दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए अब ये दोनों फॉर्मूले क्या बता रहे हैं पहला वाला फॉर्मूला जो आपको बता रहा है रिफ्रेक्टिव एंगल यानी आर और आई के बीच में रिलेशन दूसरा आपके पास में है बेसिकली दो मीडियम के बीच की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन तो सेम चीज जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास में आप वेलोसिटी इन मीडियम इन अ मीडियम तो वेलोसिटी इन मीडियम अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा नीचे होगी और उसके लिए हर किसी मीडियम का एन का वैल्यू होगा अगर मैं आपसे बोलू अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर शुड बी एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी तो V क्या है V वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वॉटर तो इतनी सी चीज है तो यहां पे सी क्या है वेलोसिटी इन आपके पास में वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दोनों का रेशो तो आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा तो इससे क्या समझ हम लोग को अगर किसी भी मीडियम का एन का वैल्यू निकालना है अगर हमें किसी भी मीडियम के एन का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा हमें हमें उसके पहले सी के रिस्पेक्ट में उस मीडियम में वेलोसिटी बता रहनी चाहिए तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो उसको मैं और क्लियर करती हूँ थोड़ा सा रुको तो यहाँ पे मैंने कहा कि लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज v1 एंड मीडियम 2 इज v2 देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विल बी n21 सो हियर हियर n21 जो है वो हमें बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू तो जिसका भी मीडियम निकालना है उसको पहले लिखोगे तो आप यहां पर लिख रहे हो टू तो मैंने कहा कि V2 तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा यहां पे तो हियर वी टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या V2 का क्या मिल गया हम लोगों को V2 का n का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हियर हियर आप लोग देखो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.3 आपकी बुक में और भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है आप लोग देख सकते हो तो यहां से आप लोग समझो इसको कि इफ आपके पास में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वन पॉइंट थ्री एट है दैट मीन वो आपके पास में c बाई वी से निकाला गया है तो यहाँ पे ये चीज आपको दिमाग में रखनी है दिस इज थिंग आई वॉन्ट टू से तो v इज फॉर वॉटर c इज इन एयर a फॉर एयर w फॉर वॉटर ठीक है तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया फॉर वॉटर ठीक है तो अगर मैंने आपसे बोला कि चलो अब एयर के आप लोग वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का निकालो अगर आपको मैंने कहा कि चलो आप लोगों ने अभी किसका निकाला वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाला और अब मैंने उल्टा बोला कि एयर के रिस्पेक्ट में या एयर का विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर निकालो तो क्या करना है आपको आपको उल्टा कर देना है तो वॉट विल यू डू कि आपको यहाँ पे बाई वन पॉइंट थ्री एट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना तो ये हमारे पास में थोड़ा सा रुको इसको सो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको तो यहाँ पे आपके पास में जो डब वी डब्ल्यू वाई सी ए और यहां पर आपके पास में हो जाएगा एन वन टू क्या हो गया आपके पास में वाटर का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको निकालना है तो जिसका पहले हमें वेलोसिटी जिसका आपको निकालना होता है उसका वेलोसिटी नीचे लिखते हैं और ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहां पे जो मीडियम वन है उसका आपको क्या मिल जाएगा उसको मीडियम वन का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा तो दिस इज द थिंग की एन टू वन है तो वी वन बाई वी टू और अगर मैंने यहाँ पर एन वन टू लिख दिया तो क्या लिखोगे जो यहाँ वन है उसको नीचे ऊपर वी टू इसको एक छोटे से क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो Try it out and tell me what will be the refractive index of water. और इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है किस मीडियम के रिस्पेक्ट में तो जस्ट एज्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एयर कभी भी याद रखना अगर कोई मीडियम नहीं दिया है तो हमें क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपका जो

शेप इट इज नॉट अ स्लैब है ना हमने देखा कि काज का जो तो स्लैब होता है दिस इज योर ग्लास स्लैब तो वहां से भी आपके पास में जो भी आपका जो लाइट है वो ट्रेवल करता है बट दिस इज नॉट अ Curb Curb नहीं है. है क्या नहीं अगर ये कर्वड हो जाता है तो आपका जो डेफिनेशन ऑफ आपका जो भी लाइट है, वैसे वैसे है अब कैसे करते हैं चलिए बात करते हैं आपकी आंखों में भी लगा हुआ है कॉन्वैक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होता है दो स्पेरिकल मिरर से बनता है मतलब दो स्पेरिकल गोलो से बनता है दो काच के गोलो सोचो ऐसा कि आपके पास में ये एक काच गोला है दूसरा कांच का गोला है इन दोनों को ऐसे कट करके आपने क्या कर दिया मर्च कर दिया तो दिस इज योर कॉन वैक्स लेंस एंड फॉर कॉनकेव कॉनकेव के लिए क्या होता है आपके पास में ये एक गोला है दूसरा एक गोला है आपने यहां पे फिलिंग कर दी तो दिस इज योर कॉन केव तो अब हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या हमारे पास में कि ये वाला जो देख रहे हो आप लोग दिस दिस इज योर कौन देखो यहाँ पे दिस इज योर कौन Lens and this is your lens. जो आपकी आंखों में होता है दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस अब कॉन्वेक्स लेंस और फिर कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं तो यार यहाँ पर भी क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली आपके पास में दो स्पीयर से मिलकर बने आप लोग सोचो दो गोले है दो गोलों से मिल करके एक लेंस का निर्माण हो रहा है आप लोग सोचो ना कि दो गोले मिलकर एक लेंस बना रहे तो अफकोर्स अगर दो कर्व है दो कर्व दो आप लोग देखो यहाँ पे इसके कितने कर्व है दो कर्व है दट मीन्स

दिस फियर आपके पास में एक वैल्यू रहेगा सी का दूसरा वैल्यू रहेगा एफ का सेम फॉर दिस अगर मैं इसको कलर चेंज कर दू एंड फॉर दिस फियर आपके पास में जो वैल्यू ऑफ एफ है एंड द वैल्यू ऑफ सी है वो भी डिफरेंट रहेगा तो इसको हम लोग जनरली एफ वन सी वन इसको एफ टू से रिप्रेजेंट करते हैं पर मैं इसको हमेशा प्राइमरी मानती हूँ मैं इसको एफ वन से रिप्रेजेंट करती हूँ आपके बुक में डिपेंडेंट होता है तो जो मेरे पास में फर्स्ट मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के इस तरफ लगा है है ना तो ये आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस का फ्रंट है आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है फॉर दैट रीजन आपका जो ये जो है एफ एंड दिस इज योर 2f, 2f यानी कि c, बेसिकली नथिंग टू एफ इज वॉट बेसिकली सी तो ये आप लोग कैसे लिखते हो तो so, यहाँ पे ये आपके मेन फोकस रहेगा एंड मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा कि फॉर दिस फॉर दिस सरफेस फॉर दिस सरफेस इट विल बी योर मेन फोकस एंड मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर बट अगर मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ ना रख के लेंस के दूसरी तरफ रखता अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो फिर आपका इस तरफ का जो एफ डैश और टू एफ डैश है वो आपका मेन क्या होता मेन मेन फोकस होता तो हम लोग फोकस कैसा डिसाइड करते हैं तो जो कर्वेचर आपका होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला यानी कि अगर आपका ये कर्व है तो इस कर्व का जो भी फोकस और सी है वही आपका मेन होगा ठीक है एंड फॉर योर कॉनकेव अब कॉनकेव में क्या होता है concave में उल्टा होता है concave में ये वाला सरफेस जो है ये आपका यानी एफडेश जैसे उसमें क्या है एफडेश और टू एफडेश जो थे वो सेकेंडरी फोकस थे लेकिन एफडेश और टू एफडेश आपके कौन केव लेंस के अंदर क्या होगे मेन फोकस होगा और इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फोकस एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड जो होता है एफ टू एफ ठीक है तो ये टोटली totally डिपेंड करता है कि कौन से वाले कर्व से आप क्या कर रहे हो अपने सामने ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो वो आपका मेन फोकस होता है अब आपके पास में जो लेंस होता है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है जो आपके पास में मेन आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है आने वाले लाइट को इकट्ठा कर लेता है ये क्या करता है आने वाले लाइट को फोकस पर इकट्ठा कर लेता है जबकि आपका जो कौन लेंस होता है तो यहाँ पे ई e नहीं लिखा हुआ है तो जो आपका कौन लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस जो है वो आने वाली लाइट रेस को आप सभी देखिए इस तरीके से फैला दे रहा है सब लोग देखो लाइट रे यहाँ पर फैल चुकी है जबकि लाइट रे जो है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो चुकी है तो दैट इज द थिंग कि जो कौन वैक्स लेंस होता है इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस क्यों आने वाली लाइट रे जो है वो एक फोकल पॉइंट पे आकर के इकट्ठा हो जाती है जबकि ये हमारे पास में डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं क्यों डाइवर्जिंग लेंस क्योंकि आने वाली लाइट रे को क्या कर रहा है वो फैला दे रहा है ठीक है अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था तो आपके पास में होते हैं दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो फोकस तो जो मेन फोकस होता है वो आपके कर्व का मेन फोकस होता है या मैंने फिर बोला आप लोगों जो भी आपके पास में जो भी आप लोग मेन फोकस लेते हो तो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस की बात करता है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो भी आपका मेन फोकस है वो इस वाले कर्व का फोकस होगा और इस वाले कर्व का फोकस इधर साइड होगा तो ये चीजों में आपको बस डिफरेंस पता होने चाहिए अगर आपको ये कवर अप है तो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होता है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है तो रूल नंबर वन जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास में सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर देती हूँ कि हमारे पास में दो रूल जो है वो आपको फॉलो करने हैं पहली चीज यहाँ पे एक स्लाइड कम है हमारे पास में एक स्लाइड लगा देती हूँ मैं

पैरेलल है वो आपके मेन फोकस से होकर जाएगी दिस इज योर मेन फोकस दिस इज योर मेन फोकस तो ये आपके पास में मेन फोकस से होकर जाएगी जबकि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो आने वाली जो है वो फैल जाती है एंड इट प्रिटेंड्स टू बी कि आपके पास में फोकस पे से आपकी जो रे है वो क्या हो गई है फैल रही है ऐसा प्रिटेंड करती है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ये आपका पहला पॉइंट है ठीक है ये बीचों बीच वाले पॉइंट है एंड सेकेंड पॉइंट आपको जो याद रखना है वो एक ही है कि अगर आपके पास में कोई लेंस से मान लीजिए कोई भी लाइट रे ओ से होकर के क्या होती है पास होती है तो ये लाइट बिना डिफ्लेक्ट हुए बिना रिफ्रेक्ट हुए सीधे आर पार चली जाती है एंड सेम विथ दिस कि अगर कोई लाइट रे यहां से होकर जा रही है तो ये लाइट रे बच्चा बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ जाती है बिना मुड़े बिना कुछ किए जैसे यहां पर मुड़ती है वहां पे मुड़ रही है क्या नहीं बस आपको ये चीजें याद रखनी है और अगर आपको ये पता है ये आपकी इंसिडेंट रे उसे होकर के बिना हिले डुले निकल जाती है आने वाली पैरेलल लाइट जो होती है वो कहां से जाएगी फोकस से और फोकस से होकर हो तो पता है तो आप कोई भी इमेज निकाल सकते हो तो पहली चीज हम लोग कहां रखे है? Object को. Object को हम लोगों ने कहा रखा हुआ इंफिनिटी यानी कि बहुत दूर तो लाइट रेस कैसी आएगी पैरल आएगी तो ऑफकोर्स फोकस पे क्या होगी इकट्ठा होगी इमेज फॉर्म कैसा होगा इमेज जो होगा बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड एज पॉइंट साइज क्या होगा इसका पॉइंट साइज हो जाएगा दूसरी चीज रियल और कैसा बनेगा रियल बनेगा इनवर्टेड बनेगा एंड एट फोकस एफ ओके तो कहां बना एट फोकस एफ फिर आपके पास में ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड टू एफ अब हम लोग लेंस में क्या करते बेटा जो सी होता है उसको टू एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो अब कोई भी अगर टू एफ देखे तो डरना मत तो हमने कहाँ रखा है बेटा टू एफ से आगे रखा हुआ यानी कि जो आपके पास में इमेज है वो कहां रखा है हम लोगों ने c के बाहर रखा है, यानी इन्फिनिटी और c के बीच में रखा है तो इस पोजीशन पे आने वाली लाइट रे पैरेलल है फोकस से होकर जाएगी अब एक लाइट रे जो है वो o से होकर जाएगी जो कि बिना हिले डुले जाएगी जिस पॉइंट पर ये मिलती है वहां पे आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी एंड दिस इज योर इमेज जो कि कैसी है बच्चा इनवर्टेड और रियल है है ना रियल इनवर्टेड इमेज और कैसी बनी है बच्चा साइज कैसा है जल्दी बताओ रियल इन्वर्टेड स्मॉलर एट पोजीशन क्या है इसकी पोजीशन जो है वो है बिटवीन एफ एंड टू एल बिटवीन एफ एंड टू एफ ठीक है फिर हम बात करते हैं थर्ड केस की तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हम लोग पहले इन्फिनिटी पे रखते हैं फिर इंफिनिटी और सी के बीच में रखेंगे फिर सी पे रखेंगे तो ये एक पोजिशन में देखो तो हमने मिरर में सीखा था कि अगर सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका साइज और इमेज का साइज सेम होता है ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होता है सेम तो हम लोग लिखेंगे सेम साइज एज ठीक है हम लोग क्या लिखेंगे उसको सेम साइज एज ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड एट टू एफ या मेन फोकस एट मेन ठीक है तो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेकेंडरी फोकस पर रखा है तो इमेज कहा बनेगी मेन फोकस पर और अगर तुमने मेन फोकस पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी सेकेंडरी फोकस कहाकेंडरी वर्षा भी हो सकता है क्योंकि आप लेंस में ना ऑब्जेक्ट को इस तरफ भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट इस तरफ भी रख सकते हो फर्क नहीं पड़ेगा पर आपके पास में जितना हाइट इमेज का है उतना ही हाइट ऑब्जेक्ट का होगा सिंपल सा लॉजिक है ठीक है सेम चीज हम लोग आगे समझ रहे हैं एक चीज को और कि अब हम लोगों ने कहा रखा है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ अब सी और एफ के बीच में है ना हम लोग धीरे 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 लेंस के पास में लेके आ रहे ऑप्टिकल सेंटर के पास में ले लेकर आ रहे धीरे धीरे तो अब जब हमने यहाँ पे रखा बेटा रूल इसका एक ही है आने वाला लाइटर जो है वो कहा से जाएगा फोकस से होकर जाएगा पैरल लाइटर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइटर है वो एक फोकस से होकर जाएगा दूसरा ओ से होकर जाएगा और यहाँ पे लार्जर मैग्निफाइड इमेज बनी है कैसी है रियल इनवर्टेड मैग्निफाइड ना? At, है ना मैग्निफाइड एट विच पोजिशन तो एट या फिर बोल सकते हैं बियॉन्ड टू एफ कहा आपकी इमेज की पोजीशन है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोगों ने कहा रखा एट फोकस कोर्स हमको पता है कि फोकस पे जो भी लाइट रे रखी जाती है वो इन्फिनिटी में जाके मिलेगी तो इमेज कहा बन रहा है इमेज एट इन्फिनिटी कैसा बनेगा लार्जर बनेगा लार्जर इन साइज रियल इनवर्टेड ठीक है ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कैसा है एफ से छोटा है यानी कि अगर आप लोगों ने कहा रखा है ऑप्टिकल पॉइंट और आपके पास में जो भी फोकस है उसके बीच में रखोगे तो ऑफकोर्स हमारे पास में जो इमेज है देखो यहाँ पर अब इमेज जो है उस साइड बन रहा है क्या नहीं इमेज हमारा अब इस साइड नहीं बन रहा किस साइड बन रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसी डायरेक्शन में आप लोगों का क्या बन रहा है इमेज फॉर्म हो रहा है एंड फॉर दैट हमारे पास में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हुआ है आप लोगों का दिस इज द इमेज जिसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज लार्जर या मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड एंड इस तरफ बना है जहां पर हमारा जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में बना है ठीक है चलिए तो हम बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस चलिए अब ये थे आपके पास में कौन कि कॉनवेक्स uh, लेंस से बनने वाले इमेजेस एंड फॉर योर कॉनवेक्स लेंस कॉनवेक्स लेंस जो है बिल्कुल आपको सॉरी कॉनकेव लेंस जो है वो बिल्कुल वर्क करता है कौन कॉनकेव मिरर जैसे सॉरी कॉनवेक्स मिरर जैसे कॉनवेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों सेम सेम वर्क करते हैं इनके साथ में सीन ये है कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है तो इन्फिनिटी पे आपके पास में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा जबकि दूसरी कंडीशन आपने फिर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा है यार इसका जो इमेज होता है वो हमेशा आपके पास में कहा बनेगा बिटवीन एफ एंड एंड ओ वर्चुअल इरेक्ट तो आप देख सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है सब लोग देखो आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो जो इमेज बनेगा वो किस पोजीशन पे बनेगा इमेज बनेगा इस पोजीशन पे एंड फॉर दिस पोजीशन आप बोल सकते हो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ठीक है चलो तो अब हम लोग बात करते हैं आपके पास में कि हमारा जो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है ठीक है चलिए तो बात करते हैं उसके बारे में अगेन लेंस फार्मूला जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर हमने प्लस पढ़ा था यहाँ पर प्लस नहीं होता तो फिर सेम चीज मैं आपको बता देती हूँ लेंस में भी सेम चीज होती है लेंस में भी आपके पास में साइन कन्वेंशन आपको पता है दिस इज योर नेगेटिव साइड

आपके पास में वी u यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता अब क्यों नहीं होता सब लोग सुनना मेरे पास में कि अगर आपके पास में मान लीजिए दोनों का यहां पर समझना इस चीज को लेंस में हमने क्या समझा लेंस में हमने ये समझा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है और उसका इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनता है सब लोग देखना यहाँ पर अगर आपके पास में ये आपका ऑब्जेक्ट है जस्ट इमेजिन करो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज दोनों कैसे है लेंस के सामने रखे हैं। तो दोनों के जो साइन uh, हो गए वो कैसे हो गए साइन जो है दोनों के एक जैसे हो गए यानी कि वी भी नेगेटिव एंड यू भी नेगेटिव सो फॉर दैट सो फॉर दैट जो एम का वैल्यू अगर एम का वैल्यू इज ग्रेटर देन या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो सेम चीज बच्चे वहां पर भी हम लोगों को फॉलो करनी है और वो क्या फॉलो करनी है अगर एम का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है दैट मीन्स इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी सेम चीज अगर m का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव साइन में रहा तो इमेज कैसी बनेगी आपके पास में वो बनेगी रियल एंड इरेक्टेड अब कैसे मैंने पता लगाया मैं वही चीज बता रही हूँ आपको कि अगर आपके पास में लेंस में कोई भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एक ही है देखो सब लोग लेंस के सामने रखे तो वो दोनों का साइन सेम होगा तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और उसका इमेज इस साइड बन रहा है तो दोनों का जो साइन है वो अपोजिट आएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन शो करता है रियल को एंड फॉर पॉजिटिव वर्चुअल एंड

ठीक है बस डेट सेट एंड पावर ऑफ लेंस इज द योर लास्ट टॉपिक इस पर हम लोग बात कर लेते हैं तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट बेसिकली दिस इज द P is equals to one by f तो हमें क्या करना पड़ता है अगर आपके पास में कोई भी लेंस होता है तो उसके अगर फोकस का आप डिवाइड कर देते हो तो दैट इज शोइंग पावर जो है हमें बता रहा है कि फोकस कितना होगा ठीक है तो आपके पास में बेसिकली जो पावर ऑफ लेंस है इसको हम लोग मीटर 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 मिट, मिट, इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स सो इट विल बी मीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा सो so यहाँ पे द यूनिट ऑफ पावर विल बी डायोप्टर जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं अब यहाँ पे सब लोग एक चीज समझने की कोशिश करना अगर मैं आप लोगों की बात में बोल रही हूँ फोकस तो फोकस जो है वो हमारे पास में मेन पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है अगर मैंने आपसे कहा अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में किसी लेंस का फोकस टेन सेंटीमीटर है निगेटिव तो पावर क्या होगी P विल बी माइनस वन बाई टेन सोल्व करोगे कितना आएगा आपके पास में तो power will be minus तो पावर पावरमीटर ऑफ लेंस माइनस वन जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर और किसका फोकस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली हमें दो चीजों के लेंस की अगर मैं बात करूं तो लेंस में किसका फोकस नेगेटिव होता है तो वो है आपका कौन लेंस तो कॉनकेव केव लेंस के लिए आपका जो भी पावर होगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा सब लोग आप समझने की कोशिश करना दिस इज योर कॉन केव मिरर एंड दिस इज योर कॉन केव लेंस दोनों के लिए फोकस जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं दोनों के लिए जो फोकस होते हैं वो कैसे होते हैं फोकस जो है वो नेगेटिव साइन में होता है बट फॉर योर कॉन वैक्स एंड फॉर योर कॉन लेंस दोनों का जो फोकस होता है वो कैसा होता है बच्चा? तो फोकस कैसे होता है दोनों के पॉजिटिव होते हैं तो इसका हमें फायदा क्या होता है बच्चा पावर ऑफ कॉन पॉजिटिव तो हमारे पास में जो कॉन लेंस होता है उसकी क्या जो पावर होती है पॉजिटिव तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपका जो फ्रेंड है राम वो पावर जो है उसकी नेगेटिव टू पॉइंट फाइव है मैंने बोला पावर जो है नेगेटिव टू पॉइंट फाइव है जो तो फिर आपका फ्रेंड जो है वो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है वो कौन कीव लेंस का यूज कर रहा है समझो इस चीज को आपका जो फ्रेंड है वो आपके चश्मे में उसके चश्मे में कौन लेंस का यूज कर रहा है विद पावर 2.5 यानी कि उसको अगर मैं सॉल्व तो मैं एफ का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूं तो दिस इज योर पावर ऑफ द लेंस तो अगर आपको बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं तो जस्ट टेल मी कि आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना तो जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्लासेस होगी इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं तो न्यूमेरिकल क्लासेस के लिए सभी स्टूडेंट्स रेडी रहना ठीक है है तो नेक्स्ट जो है इसका न्यूमेरिकल एंड एसिड का वन शॉट डलेगा ये दो चीजें हम लोग डालने वाले हैं नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट स्पैन ऑफ टाइम में सभी बच्चे लोग रेडी रहना आई होप सो कि यहाँ तक की चीजें क्लियर है जो चीजें मैंने बोली है उतना पूरा कर लेना दैट फिर आपका वन शॉट इज इनफ ठीक है तो थैंक यू सो मच बाई बच्चों आपका जो आज का सेशन था वो यहाँ पे फिनिश होता है अगर कुछ समझ में नहीं आया कुछ डाउट है या लेंस में फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो मी इन द कमेंट सेक्शन हम लोग उस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करने से आपको चीजें और भी क्लियर मतलब या क्लैरिटी से शो हो जाएगी ठीक है दैट्स इट फॉर टूडे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक चलते हैं